नमस्कार, सभी को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मैडम, सुनाई दे रहा है, ठीक से सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं। संहिता बोध के अध्ययन सत्र में उपस्थित सभी विद्यार्थी और वैद्यों का यहाँ मैं स्वागत करती हूँ। इस अध्ययन सत्र में आज तक हमने अर्श और अतिसार, इन दो व्याधियों के निदान और चिकित्सा का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इन दो व्याधियों में विशेष रूप से अतिसार में जो दोषों की गति का महत्व है उसे ध्यान में लेते हुए हमने इतवार को दोष गति इस विषय पर स्वतंत्र व्याख्यान सुना है। इन्हीं दो व्याधियों में और आगे हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं उस ग्रहणी दोष में, दोष के अध्याय में भी जिस घटक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है अग्नि दोष। इस ग्रहणी दोष के बारे में स्वयं चक्रपाणी ने भी लिखा है, ग्रहणीम आश्रितो दोषो, ग्रहणीम आश्रितो अग्नि दोषो ग्रहणी दोष। इसका मतलब है कि ग्रहण आश्रित अग्नि दोष ही ग्रहणी दोष है। तो अगर हमें आगे जाके इस ग्रहण्याश्रित अग्नि दोष का अध्ययन करना है तो उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले इस अग्नि का प्राकृत ज्ञान भलीभांति होना चाहिए और तभी हम इस प्राकृत ज्ञान के आधार पर ही विकृति को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ चक्रपाणी ने लिखा है, प्रकृति ज्ञानानंतरत्वात् विकृति ज्ञानस्य प्रथमं तावत् अविकृतस्य अग्नेः रूपम्। इसका मतलब है कि प्रकृति ज्ञान के बाद अगर हम विकृति का ज्ञान ले, इसलिए प्रथमं तावत् अविकृतस्य अग्नेः रूपम्, इसलिए प्रथम अविकृत अग्नि का रूप स्वरूप जानना चाहिए। तो इसी विचार को महत्व देते हुए चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में ग्रहणी दोष चिकित्सित अध्याय जो है उसमें अविकृत अग्नि का विचार सबसे प्रथम आता है। आगे का जो श्लोक है, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहोपचयो प्रभा ओजस तेजोग्नयः प्राणाः च उक्ताः देहाग्नि हेतुकाः। दो श्लोक है, पहले श्लोक के बारे में पहले बोलती हूँ। देहाग्नि हेतुकाः, इसका मतलब है देह का पोषण करने वाले घटकों में से जो प्रधान घटक है जो अग्नि है उसके कारण उत्पन्न होने वाले ये सब भाव है और उस या उसके कारण
जिनका पोषण होता है, ये सब भाव है। आयु आप सभी को मालूम है, आयु मतलब शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो। इस शब्द से आयुष्य में, आयु में चेतना की अनुवृत्ति, ऐसा यहाँ अर्थ हमें प्रतीत होता है। और जब तक जाठरानी है ये चेतनानुवृत्ति रहेगी, ऐसा इसका अर्थ है। वर्ण, वर्ण का तो सभी हम जब जैसे व्यवहार में गौर वर्ण, श्याम वर्ण ऐसे आदि अर्थ लेते हैं, वही अर्थ अपेक्षित है। बलम, बल का अर्थ है शक्ति, जो कि व्यायाम आदि अनुमेय है। बलम व्यायाम शक्त्या परीक्षित, तो हम सभी को मालूम है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य। अभी ये स्वास्थ्य दिया है और फिर भी वर्ण बलादि का भी उल्लेख यहाँ आता है, निर्देश यहाँ आता है, तो इसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क ये है कि स्वास्थ्य अगर हो तो भी कई बार वर्णों का अविकारित्व होगा ही, ऐसे नहीं कह सकते। तो वर्णों के, वर्णादि के अविकृत होने के लिए या उत्तम होने के लिए देहाग्नि प्राकृत होना जरूरी है, ऐसा इसका महत्व है, इसलिए उनको अलग से बताया है। उत्साह, उत्साह का मतलब है दुष्करेषु अपि कार्येषु, यहाँ मैंने लिखा है नीचे दुष्करेषु अपि कार्येषु अध्यवसायः, मतलब दुष्कर कार्यों के लिए भी निश्चय करना या प्रयत्न करना, ये भी जाठराग्नि जितना अच्छा है उतना हमें दिखाई देता है। प्रभा आप सबको मालूम है, ओज सप्त धातु का तेज, ये भी आपको मालूम है। यहाँ तेज शब्द जो अलग से लिखा है उससे देहोष्मा अर्थ अभिप्रेत है। पर अग्नि यहाँ से हमें यहाँ पांच भूताग्नि और सप्त धात्वाग्नि, ऐसे 12 अग्नि, वो भी जाठराग्नि पर निर्भर है। वो कैसे हैं बाद में हम जब उनके बारे में आज बोल रहे हैं तो पता चल जाएगा। प्राण, हाँ यहाँ प्राण शब्द बहुवचनांति लिखा है। प्राण शब्द प्राणवायु के लिए है, लेकिन बहु अनेक बार वो नित्य बहुवचनांति लिखा जाता है प्राणाह, या कई बार प्राणापानोपलक्षिता पंचवायवः, ऐसा भी इस प्राणाह शब्द से अर्थ लेते हैं। तो इतने सभी महत्वपूर्ण भाव हैं शरीर में जो कि देहाग्नि हेतु कहे, मतलब जाठराग्नि पर निर्भर है। और ये जाठराग्नि के बारे में आगे और एक सूत्र यहाँ आता है, शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवति अनामयः रोगी स्याद विकृते। अभी ये अग्नि जब शांत हो जाता है, यहाँ शांत शब्द का अर्थ नष्ट है, अग्नौ नष्टे म्रियते, जाठर अग्नि जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मृत हो जाता है। युक्ते, जब ये जाठर अग्नि योग्य है, प्राकृत है, सम है, पूरा संदुक्षित है, तो उससे क्या होता है, चिरम जीवति अनामयः, अनामयः मतलब निरोगी, और चिरम मतलब दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति रोग रहित और दीर्घ काल जीवित रहता है। रोगी से विकृते, विकृते मतलब जब ये अग्नि विकृत हो जाता है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। यहाँ विकृते शब्द से हमें ये मालूम करना चाहिए कि विकृते का मतलब है मंदे विषमे तीक्ष्णे वा। तो आप सभी को मालूम है कि शारीरिक स्थान में चरक में भी विषम अग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि का उल्लेख किया है। जब भी अग्निधिष्ठान वाताभिभूत, पित्ताभिभूत या कफाभिभूत हो जाता है तो अग्नि विषम, तीक्ष्ण और मंद हो जाता है। और चिकित्सा स्थान में भी आगे जाके विषम अग्नि धातु वैषम्यम करोति विषमम पचन, तीक्ष्णाग्नि के बारे में मंदेन्दनो धातुन विशोषयति, और दुर्बल मंदाग्नि के बारे में दुर्बलो विदहति अन्नम, वगैरह सभी उल्लेख आए हैं। आगे जाके ग्रहणी के निदान में आप इसका सविस्तर वर्णन देखेंगे, लेकिन यहाँ तो रोगी से विकृत है, इसका मतलब जब भी अग्नि इस विकृत हो जाता है, मतलब तीक्ष्ण, मंद या विषम हो जाता है, तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। मूलम अग्नि ही तस्मात निरुच्यते, तस्मात अग्नि ही मूलम निरुच्यते, तस्मात अग्नि को
मूल कहते हैं। मूल अग्नि ही शरीर का, आयुष्य का, इन ऊपर दिए हुए सभी भावों का मूल कारण है, प्रधान कारण है, ऐसा यहाँ निश्चित किया जाता है। अभी एक सवाल उठता है कि ये जो अभी हमने भाव देखे, आयुर वर्णो बलम स्वास्थ्य आदि, अगर वो देहाग्नि हेतु है, उनका निर्माण जाठर अग्नि पर है, तो आहार का क्या प्रयोजन है? आहार क्या करता है? तो आहार से ही वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन आहार से उत्पन्न होने के लिए बीच में उन पर जाठर अग्नि की क्रिया अवश्य होनी चाहिए। तो ये अभी तो हमने जो देखा वो था अग्नि का सामान्य कारण, अभी ये है अग्नि का साक्षात कारणत्व। मतलब यद अन्नम देह धातु जो बल वर्णादि पोषकम, जो अन्न देह धातु वो जो बल वर्ण आदि का पोषण करता है, अन्न ही पोषण करता है, अन्न से ही ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु तत्र अग्नि ही हेतु, लेकिन वो अन्न से ये सब भाव उत्पन्न होने के लिए हेतुभूत कौन होता है? तो जो अग्नि होता है, जाठर अग्नि का यह महत्व है। तत्र अग्नि ही हेतु आहारात न ही अपक्वात रसादयः, अपक्व आहार से तो कोई रसादि उत्पन्न होने वाले नहीं है। जब ये आहार अपक्व रहेगा तो हमने ये जो भाव देखे हैं देह धातु जो बल वर्ण, इनमें से कोई भी भाव प्राकृत उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए अन्न पूरा पक्व होने के लिए जो जिसका कर्तृत्व है वो है अग्नि, तो अग्नि के ही कारण पक्व अन्न हो जाता है और उससे रसादि का उत्पन्न उत्पादन हो जाता है। यहाँ रसादि का मतलब क्या है? तो रसादयः मतलब आदि ग्रहणे न रक्तादीनि संग्रह्यन्ते। यहाँ रसादि आदि शब्द से बाकी धातु, या जैसे वह ऊपर दिया है देह धातु ओजो बल वर्ण आदि सभी अपेक्षित हैं। अब ये जो अन्न से अन्न को ये जो दोह देह धातु रूपता प्राप्त हो जाती है, वो कैसे प्राप्त हो जाती है? तो उसके लिए जो पूरी चेन है वो इस श्लोक में, आगे के श्लोक में दी है। अन्नम आदान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति तद द्रवैः भिन्न संघातम् स्नेहेन मृदुतामगतम् समानेन अवधूतो अग्निः उदर्यः पवनोद्वहः काले भुक्तम् समं सम्यक् पचति आयुर्विवृद्धये। श्लोक आप सभी को फर्स्ट ईयर से मालूम है। आदान कर्मा प्राणः अन्नम कोष्ठम प्रकर्षति, मतलब क्या? जिसका कर्म ही आदान है, मतलब आहार प्रणयन है, वह प्राणवायु अन्न को कोष्ठ तक ले जाता है। प्रकर्षति का अर्थ है नयति, तो अन्न को प्राणवायु कोष्ठ तक ले जाता है। तद द्रवय ही भिन्न संघातम तद अन्नम, वो जो जिस अन्न को अभी प्राण कोष्ठ में लेकर आया है वह अन्न तद द्रवय ही भिन्न संघातम, वो द्रवों के कारण भिन्न संघात हो जाता है। मतलब भिन्न संघात तो मतलब अवयव शैथिल्य उसमें आ जाता है। स्नेहेन मृदुताम गतम, स्नेह से उसको मार्दव प्राप्त हो जाता है। और ऐसे अन्न पर किसकी क्रिया होती है? अग्नि की क्रिया होती है, अग्नि ही पचती। लेकिन कैसा अग्नि? समानेन अवधूतः, और अग्नि का खुद का विशेषण है उदर यहाँ पवनोद्वहः अग्नि। उदर यहाँ अग्नि ही मतलब जाठर अग्नि, पवनोद्वहः अग्नि ही मतलब जो हमेशा ही पवन से उसका उद्वहन होता है, जो पवन से हमेशा संदूषित होने वाला अग्नि। और वो यहाँ के क्या है? समानेन अवधूतः, वो समान वायु से अवधूत होकर अन्न का पचन करता है। और वो अन्न भी कैसा है? काले भुक्तम, बुभुक्षा काले, काले का मतलब यहाँ है बुभुक्षा काले, जो बुभुक्षा काल या प्राकृत काल या योग्य काल, अन्न सेवन के लिए जो भी काल योग्य है उस काल में जिसका भोजन किया है ऐसा अन्न, उसको बोलते हैं काले भुक्तम। समम, समम के शब्द से यहाँ प्रकृत्यादि सम अर्थ अभिप्रेत है, जो प्रकृति करण संयोग हम आगे भी उसका उल्लेख देखने वाले हैं, जो कि सभी आहार विधि विशेष आयतन में आता है,
वो सभी मात्रा प्रकृति आदि से सम अन्न जो है वो, अगर ऐसा सम अन्न और प्राकृत काल में बुभुक्षा काल में उसका भोजन किया है तो उस अन्न का अग्नि क्या करता है, सम्यक पचती, सम्यक पचन करता है, अच्छी तरह से पचन करता है, योग्य प्रकार से पचन करता है। और किस लिए, तो आयुर्विवृद्धि, आयुष्य की वृद्धि के लिए उसका पचन होता है। तो ये जब सम्यक पचन हो जाता है तो आयु की वृद्धि हो जाती है। यहाँ जो हमने अभी घटक देखे, प्राण, द्रव, स्नेह, समान वायु और अग्नि, स्थूल पाक क्रम में ये सभी भाव महत्वपूर्ण है। शारीर स्थान में इन्हीं भावों को चरक ने आहार परिणाम कर भाव ऐसे बताया है। नीचे मैंने ये लाइन दी है चरक शारीर स्थान की, आहार परिणाम कर आहा तु इमे भावाः भवन्ति तद्यथा ऊष्मा वायुः क्लेदः स्नेहः कालः समयोगश्च। ये इन सभी भावों से आहार का परिणमन होता है। तो यहाँ प्राण जो है वो भी वायु में आता है, समान वायु, प्राण वायु और समान वायु ये दोनों वायु में समाविष्ट है। ऊष्मा में अग्नि खुद समाविष्ट है। क्लेद, ये जो द्रव ही भेद संघात भेद है इसमें क्लेद अपेक्षित है। स्नेह मार्ग उत्पन्न करता है। और काल और समयोग ये जो है, तो इन सभी का समयोग ऐसा अर्थ यहाँ अभिप्रेत है। और काल जैसे मैंने बताया, यहाँ के दो अर्थ हम ले सकते हैं, तो प्राकृत काल में भोजन का सेवन करना और परिणाम के लिए जो काल होता है, तो कुछ ना कुछ प्राकृत परिणाम के लिए विशिष्ट काल की जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी खाया और अभी पक गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो पूरी आगे जाके वो पूरी पचन प्रक्रिया देखने वाले हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया के लिए जो काल जरूरी है उतना काल उस पचन के लिए देना चाहिए। तो ये सभी हो गए स्थूल पाक क्रम में आहार परिणाम कर भावों का जो रोल है वो मैंने यहाँ लिखा है। और ऐसे इन सभी भावों के परिणाम से होता क्या है, एवं रसमलाय अन्नम आशयस्थम अधस्थिता पचती अग्नि, अधस्थिता अग्नि पचती। तो अधो भाग में होने वाला अग्नि पचन करता है, किसका पचन करता है, आशयस्थम अन्नम पचती। ये जो आमाश, यहाँ आशयस्थ शब्द का अर्थ है आमाशयस्थ, तो आमाशयस्थ अन्न जो है उसका पचन, उसके अधस्थित अग्नि जो है वो पचन करता है। और क्या निष्पन्न होता है उस पचन के बाद, तो एवं रसमलाय, वहां से रस और मल उत्पन्न होते हैं इस पचन के बाद। कैसे, एक दृष्टांत दिया है। अच्छा, स्थाल्याम ओदनाय अम्बुतंडुलम यथा स्थाल्याम ओदनाय अम्बुतंडुलम। जैसे कि इस थाली में हम अम्बुतंडुल रखे और उसके अधस्थित अग्नि से उसका पचन करें तो ओदन बन जाता है, ओदन उसमें निष्पन्न हो जाता है। उसी तरह से यहां मैंने लिखा है स्थालिस्थ अम्बुतंडुल को अगर अधस्थित अग्नि का संस्कार हो जाता है उस पर, तो ओदन की निर्मिति होती है। इसी प्रकार आमाशय स्थान पर अधस्थित अग्नि का संस्कार जब होता है तो रसमल निर्माण हो जाते हैं। अभी एक अवांतर अनुपात कहता है, अवांतर का मतलब समाविष्ट है, ये स्थूल पचन ही है लेकिन इसमें भी समाविष्ट है। ये जो हमने अभी देखा आहार परिणाम कर भावों के हिसाब से, उसी उसी में समाविष्ट हुआ एक और पचन यहाँ दे दिया है। और वो भी हम सब जानते हैं, अन्न पचन होते समय तीन अवस्था पाकों में से गुजरता है। तो पहला पहली जो अवस्था है तो वो है मधुर अवस्था। ये जो मधुर अवस्था है अन्न को प्राप्त होती है, इसका यह श्लोक है, अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड रसस्य प्रपाकतः मधुराद्यात् कफो भावात् फेन भूतः उदीर्यते। अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड रसस्य, मतलब जो भुक्त मात्र है अभी अभी भोजन किया हुआ अन्न, और वो कैसा है, षड रसात्मक अन्न है वो, उसे प्रपाकतः, प्रपाकतः का अर्थ मैंने नीचे लिखा है प्रथम पाकतः। प्रथम पाकतः का अर्थ क्या है, उस पर अग्नि की प्रथम क्रिया होने के बाद
उसका जो प्रथम पचन है उससे क्या होता है, मधुराद्यात भावात, उससे अन्न को मधुर आद्य मधुर भाव उत्पन्न हो जाता है, सभी अन्न पूरा अन्न मधुर हो जाता है और इस मधुर भाव से कफहा फेन भूतः उदीर्यते, फेन भूत कफ उदीर्यते, उदीर्य उदद ईर धातु का अर्थ है ऊपर आना और उत्पन्न होना, दोनों भी अर्थ है, दोनों भी कफ के बारे में संयुक्तिक है कि यहाँ कफ फेन भूता उदीर्यते मतलब फेन भूत कफ की उत्पत्ति होती है या वो ऊपर आता है। जैसे कि हमने अभी दृष्टांत देखा है स्थाल्याम अम्बुतंडुलम, जब हम किसी स्थाली में अम्बुतंडुल का पचन करने लगते हैं तो पहले क्या होता है, पहले उस पर पेन आता है, हम सभी ने ये प्रोसेस देखी है कभी ना कभी, तो ये फेन भूत कफ उसी प्रकार से ये दृष्टांत है, तो उसी प्रकार से मधुर भाव जो अन्न को प्राप्त होता है उससे फेन भूत कफ की निर्मिति हो जाती है। यहाँ फेन भूत शब्द का अर्थ है फेन सदृश अघन, अघन स्वरूप से फेन सदृश ही कफ यहाँ निर्माण हो जाता है। आगे जाते परम तुपच्च मानस्य, पहले वो आया है आशयस्थ ही है, अभी आमाशयस्थ ही है, वहां आशयस्थ होते हुए वो पच्यमान है मतलब अभी भी पचन प्रक्रिया उस पर हो रही है, ऐसे नहीं कि प्रथम पाक से हो गई लेकिन अभी भी प्रथम पाक हो गया उसके बाद भी पचन प्रक्रिया निरंतर है और इस पचन प्रक्रिया में पच्यमान है वो अन्न भी जिस पर जिसका पचन अभी भी हो रहा है और पच्यमान अन्न से उसको क्या है, पच्यमान है और वो विदग्ध है, विदग्ध का शब्द अर्थ है पक्वा पक्वस्य मतलब किंचित पक्वम किंचित अपक्वम, ऐसा स्वरूप है उसका और इस स्वरूप से उसको क्या आता है, अम्ल भाव प्राप्त हो जाता है। इस अन्न को अम्ल भाव जो प्राप्त होता है वो और एक विशेषण अन्न का दिया है यहाँ आशयाच्चवमानस्य, तो अन्न आमाशय से अभी आशय से चवमान हो रहा है, यहाँ चवमान का अर्थ है आमाशयात, आशयात मतलब आमाशयात और चवमान का अर्थ है वायुना अधोभागम नियमानस्य, वायु से वो अधोभाग को लिया जा रहा है तो अधोभागम वायुना नियमानस्य, तो इससे क्या होता है उस समय पित्तम अच्छम उदीर्यते, ऐसे अन्न से अच्छ पित्त का, अच्छ का भी वर्णन या अर्थ यहाँ चक्रपाणी ने अच्छम अघनम ऐसा ही किया है, अघनम पित्तम अच्छम पित्तम उदीर्यते, अच्छ पित्त का उदीरण होता है मतलब अच्छ पित्त की उत्पत्ति यहाँ होती है। आगे जाके ये अन्न अब कहाँ जाएगा, आमाशय में ये दो अवस्था प्राप्त तो हो गए लेकिन अब बाद में वो पक्वाशय को प्राप्त हो जाता है, पक्वाशयम तो प्राप्तस्य, जब ये अन्न पक्वाशय प्राप्त हो गया है पक्वाशय में आ चुका है तो वहां बन्ही की क्रिया उस पर जो होती है उसका वर्णन किया है बन्हीना शोषमाणस्य, शोषमाणस्य यह शब्द अन्न का विशेषण है, ये पहले ध्यान में लेना जरूरी है, बन्नी का शोषमाण वगैरह ऐसा कोई रूप नहीं है, ये शोषमाण से ये जो पद यहाँ है वो अन्नस्य का विशेषण है, जैसे कि पक्वाशय प्राप्तस्य परिपिंडित पक्वस्य ये शब्द सभी जैसे अन्न का अन्न के विशेषण है वैसे ही शोषमाणस्य शब्द भी अन्न का ही विशेषण है, लेकिन बन्नी का क्या प्रयोजन है यहाँ, तो बन्नी ना शोषमाण मतलब ये अन्न अभी बन्नी से शोषमाण है मतलब उसमें से जो द्रवांश है उसका शोषण अभी चल रहा है और वो शोषण कौन कर रहा है, तो बन्नी कर रहा है, तो बन्नी ना शोषमाण से अभी ऐसे अग्नि के कारण जिसका शोषण चल रहा है पक्वाशय में अन्न प्राप्त हुआ है, बन्नी के कारण जिसका शोषण अभी चल रहा है और परिपिंडित पक्व से इसके कारण उसको क्या होगा, कैसा स्वरूप प्राप्त होगा, तो एक परिपिंडित स्वरूप पक्व स्वरूप उस अन्न को प्राप्त होगा और ऐसे अवस्था जब आती है तो
कटु भावतः उस अन्न को, जैसे हमने पहले अवस्था में देखा कि उसको मधुर भाव उत्पन्न होता है, द्वितीय अवस्था पक में हमने देखा कि अम्ल भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही इस अवस्था में उसको कटु भाव प्राप्त होता है। और इस कटु भावतः वायुः स्यात्, इस कटु भाव से क्या उत्पन्न होता है, तो वायुः स्यात्, वायु की उत्पत्ति होती है। यहाँ जो मैंने वह्निना शोषमाण से बोला उसके बारे में चक्रपाणि ने अच्छी तरह से लिखा है कि यद्यपि ऊर्ध्वदाह क्षमो वह्नि, अग्नि कैसे होता है, अग्नि की क्रिया कहाँ होती है, ऊर्ध्वदाह क्षम, जो भी उसके ऊपर रखा जाए उसका वो पचन करता है। हमने सभी ने चूल्हे पर देखो या हमारे घर की गैस की शेगड़ी के ऊपर देखो, जो भी हम रखते हैं वन्नी के ऊपर जो भी रखते हैं उसका पचन वन्नी करता है। तथापि अस्य अधोगतस्य अपि अन्नस्य वन्नीना शोषम, लेकिन उसके अधो भाग में पक्वाशय, ये जो अधो भाग में है तो वहां जान जो अन्न आ गया है उसका भी वन्नी से क्या होता है, शोषमाणत्व, वो तो पचन नहीं करता, कर सकता दाह नहीं कर सकता, तो क्या हो कर सकता है, शोषण कर सकता है, तो पचन नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जहाँ ये शोषण क्रिया जो है वह्नि की वो अपेक्षित है। तो ऐसे वह्नि से जो अन्न शोषमाण है, जिसका शोषण हो रहा है, वो अभी उससे अपेक्षित है, इसका अर्थ ये है। अब आपने ये तीनों अवस्थापाक देखे और हमें विपाक के बारे में भी मालूम है, कटुतिक्त कषायाणाम विपाकः प्रायशो कटुः अम्लो अम्लं पच्यते, सभी हमको मालूम है। तो विपाक में भी कोई द्रव्य के रसों में भिन्नता आती है और अलग से रस उत्पन्न होते हैं। ये जो हमने तीन अवस्थाएं देखी, उन तीन अवस्थाओं में भी अन्न के रस बदलते हैं, अन्न को कोई दूसरा दूसरा रस भाव प्राप्त हो जाता है और अन्न का खुद का भी रस है, तो इन तीनों में फर्क क्या है। तो द्रव्य का जो रस है, खुद का रस जो है, उसकी उत्पत्ति द्रव्य उत्पत्ति काल को ही होती है। जब द्रव्य उत्पन्न होता है तभी उसमें जो रस उत्पन्न होता है वो द्रव्य का स्वयं रस है। अवस्था पाक में जो रस अन्न को प्राप्त होता है वो अन्न पाक की केवल उस अवस्था में प्राप्त होने वाला है, वो सिर्फ आवस्थिक रस है और वो सिर्फ अन्नपाक की उस अवस्था में प्राप्त होता है। और विपाक जो है वो, अभी यहाँ तो द्रव्य गुण का लेक्चर नहीं है हमारा, इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप सभी को मालूम है वो रसमल विवेक समकाले उत्पन्न होने वाला है। जठरेणांगिना योगात यदुदेति रसांतरम रसानां परिणामान्ते स विपाकः इति स्मृतः, ऐसा कहा है, भगवत की व्याख्या हम सबको मालूम है। तो जाठरेणाग्निना योगात यदुदेति रसांतरम, मतलब क्या, जाठर अग्नि के योग से रसांतर तो हो जाता है, और रस यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामान्ते, रस का परिणमन हो जाता है, तो रस का परिणमन कहाँ आता है, अवस्था पाक में होता है, और रसानाम परिणामान्ते जो रसांतर आता है वो विपाक में आता है। तो रसमल विवेक समकाले जो रस उत्पन्न होगा वह विपाक। और इनके कार्य भी तो भिन्न भिन्न है, रस का कार्य कब कैसे होता है, द्रव्याणाम निपाते, रसो निपाते द्रव्याणाम, रस का कार्य निपाते, जब रस का निपात होता है, द्रव्य का निपात होता है, उसी समय रस का कार्य हम अनुभव करते हैं। अवस्था पाक में जो रस उत्पन्न होता है उसका कार्य तो सिर्फ उसी अवस्था में होता है। मधुर अवस्था पाक में कफ की उत्पत्ति होती है, अन्न आगे चला गया, उसको अम्लावस्था आ गई, तो उस अवस्था पाक में तो हमें उसका कार्य पहले वाले मधुर अवस्था पाक का कार्य नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि अम्लता आ गई और अभी भी पिछले वाला जो कि कफ उत्पन्न होने वाला कार्य है वो हमें अनुभव आएगा, ऐसा नहीं है। तो अवस्था पाक का कार्य हमें कब अनुभव में आएगा, तो सिर्फ उसी अवस्था में उसका अनुभव करेंगे। और विपाक का कार्य कब होगा, तो आहार परिणामान्ते, जैसे हमने बताया रसानाम परिणामान्ते, वो जो रस का परिणमन हो रहा है उसके वो परिणमन हो गया अवस्था पाक के पाकों के बाद, ये जो अंतिम रस जो प्राप्त होता है आहार को, उसको हम विपाक कहते हैं, और वह उसका कार्य आहार परिणामान्ते
हमारे ध्यान में आता है। वो जो कार्य है वो भी आप सभी को मालूम है, इसके बारे में भी और ज्यादा कुछ कहने की जरूरी नहीं है। शुक्रः बद्ध विन्मूत्रो विपाको वातजाः कटुः, मधुरः सृष्ट विन्मूत्रो विपाकः कफ शुक्रलः, पित्तकृत सृष्ट विन्मूत्र पाको अम्लः शुक्रनाशनः, आदि जो भी विपाक के कार्य है तो वो सब हमें मालूम है। तो ये कार्य भी हमें आहार परिणामांते दिखाई देंगे। अब एक सवाल यहाँ आता है अवस्था पाकों के बारे में कि मधुर अन्न है और उसको भी वो भी मधुर अवस्था पाक से जाता है, कटवादि अन्न है वो भी मधुर अवस्था पाक से जाता है। यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। अभी सभी रसों के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी रस का अन्न जब अवस्था पाकों में से गुजरता है, यहाँ मधुर अवस्था पाक का एग्जाम्पल दिया है कि मधुर अन्न ही जब मधुर अवस्था पाक से जाता है तो उत्पन्न होने वाला कफ कैसे होगा, अधिक मात्रा में होगा, बहुश्लेष्मा होगा। और कटवादि अन्न जब मधुर अवस्था पाक से जाता है तो उसके उससे उत्पन्न होने वाला कफ कैसे होगा, स्तोक मात्र होगा। अर्थात क्योंकि ये विपाक रस जो है मधुर अन्न, उसमें से उत्पन्न होने वाला जो मधुर अवस्थापक है ये कैसे हो गया, रस और अवस्थापक में उत्पन्न होने वाला रस ये एक दूसरे से अनुगुण है, तो इसलिए अगर वो अनुगुण होते हैं तो वो बहुकर्तृत्व वाले होंगे तो बहुश्लेष्मा उत्पन्न होगा। और कटवादी अन्न और मधुर अवस्थापक ये कैसे है, अन्न का रस है कटवादी और समझो कि कटु रस प्रधान अन्न है, और वो जब पहले मधुर अवस्था पाक से जाता है तो मधु उस अवस्था पाक में कफ तो उत्पन्न होगा लेकिन उसकी मात्रा कितनी होगी, बहुत ही अल्प होगी, स्तोक मात्र ही कफ उससे उत्पन्न हुआ दिखाई देगा। वैसे ही जैसे हमने ये रस और अवस्था पाक के बारे में देखा, वैसे ही अवस्था पाक और विपाक के बारे में भी है। अवस्था पाक कार्य दोष जो है और विपाक में उत्पन्न होने वाला रस जो है वो भी कैसे होगा, विपाक अवस्था पाक में उत्पन्न होने वाला रस और विपाक में उत्पन्न होने वाला रस ये जो परस्पर अनुगुण होंगे तो दोष का वर्धन होगा। जैसे हमने अभी बताया कि मधुर रस है, मधुर अवस्था पाक में बहुश्लेष्मा समझो मधुर रस उत्पन्न होना हुआ है, मधुर अवस्था पाक में जो मधुर रस उत्पन्न हुआ है और उससे बहुश्लेष्मा उत्पन्न हुआ है, आगे जाकर उसका विपाक भी कैसे होगा, मधुर ही होगा। तो मधुर ही रस है, मधुर ही अवस्था है और मधुर ही विपाक है, तो ये कैसे हो गए, तीनों एक दूसरे से अनुगुण हो गए। और ऐसे जब अवस्था पाक कार्य और विपाक ये दोनों एक दूसरे से अनुगुण है तो ये अनुगुण विपाक अवस्था पाक कार्य जो दोष है उस दोष का क्या करेगा, वर्धन ही करेगा, शरीर में कफ दोष निश्चित ही बहुश्लेष्मा रूप से ही बढ़ेगा। लेकिन अगर अवस्था पाक कार्य दोष और विपाक अनुगुण नहीं है, एक दूसरे से अनुगुण नहीं है तो कैसे होगा, जब अवस्था पाक में एक कार्य होता है, समझो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया कटवादी अन्न है तो कटवादी अन्न के अवस्था पाक में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, कार्य स्वरूपी मधुर अवस्था पाक में उत्पन्न होने वाला जो दोष है कफ दोष और विपाक में उत्पन्न होने वाला रस जो है वो कटु है, तो ये अननुगुण हो गया, विपाक उससे अननुगुण हो गया और मधुर अवस्था मधुर से ये जो कटु अननुगुण होया है समान गुण वाला नहीं है तो वो पहले अवस्था पाक में उत्पन्न होने वाले दोष का क्षपण करेगा। अवस्था पाक आहित दोषाणाम क्षपणम करोति, ऐसा चक्रपाठ में लिखा है। अगर ये विपाक अननुगुण है तो वो अवस्था पाक में आहित जो दोष है उनका क्षपण करता है। ये सभी मैं इतने विस्तार से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाकर इस सभी का आपको चिकित्सा में उपयोग करना है। जब हम कोई द्रव्य देते हैं जैसे कि दोष दोष घनता हमें दोष द्रव्यों की मालूम होती है तो वो
कैसे कार्य करते हैं, कोई शुंठी जैसा द्रव्य है, कोई पिप्पली जैसा द्रव्य है, तो उसका रस क्या है, उसका विपाक क्या है, और वो क्या करेगा, दोष वर्धन करेगा, दोष क्षपण करेगा, ये जानकर ही हमें आगे जाके चिकित्सा देनी होती है। तो इसलिए ये सब महत्वपूर्ण है। अवस्थापाक के बारे में एक अन्य भी मत है जो चक्रपाणि ने दिया है कि नहीं, षड्रस पूरे षड्रस से सामान्य में से कफादि उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा चक्रपाणि। षड्रसात्मक अन्य, पहले हमने पहले अभी जो तीन अवस्थापाक देखे हैं जो प्रॉपर चरक संहिता में है, वो वहां क्या होता है, अन्नस्य षड्रसस्य, पूरे षड्रसात्मक अन्न से अन्न के वो तीन अवस्थापाक हमने देखे। लेकिन एक और भी मत चक्रपाणि ने उसका उल्लेख किया है कि पूरे षड्रस से सामान्य कफादि की उत्पत्ति नहीं होती। प्रथम पाक में मधुर रस उत्पन्न होता है और वह कफ का निर्माण करता है। यहाँ अपेक्षित उनको है कि पूरे पूरे के पूरे षड्रसों से कफ की उत्पत्ति ऐसा नहीं। प्रथम पाक में जो प्रायः मधुर रस है उसका पचन ज्यादा होगा और उससे कफ की उत्पत्ति होगी। द्वितीय पाक में अम्ल रस और कटुतावस्था में कटु रस, इनसे ही कफ पित्त और वात की अनुक्रमे उत्पत्ति होगी। और भी एक मत है अवस्थापाक के बारे में कि अन्नस्य अग्नि संयोगात मधुरादिकम अवस्थिकम न भवति। ये जो आप बोलते हैं कि अग्नि का पहला पाक होने के बाद मधुरा अवस्था आती है, द्वितीय पच्यमान है, अभी अग्नि की से पचन हो रहा है, वहां दूसरा अवस्थापाक, मतलब हम जिसको अम्ल अवस्था पाक बोलते हैं, वो उत्पन्न होता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा एक मत है। तो उनका मत क्या है कि शरीर में शरीर स्थानेषु ये रसाः सन्ति, शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में ये रस पहले से ही होते हैं। जैसे कि हृदय के ऊर्ध्व भाग में मधुर रस होता है, नाभि और हृदय के मध्य में अम्ल रस होता है, और अधो नाभि कटु रस होता है। और इन प्रदेशों में जब अन्न आता है, मतलब पहले अन्न कहाँ आएगा, तो हृदय के ऊर्ध्व भाग में आएगा। तो जब पहले अन्न शरीर में प्रवेश करता है, कोष्ठ में प्रवेश करता है, तो पहले उसका हृदयोर्ध्व प्रदेश में वो आता है, तो वहां के स्थानिक मधुर रस से क्या होता है, तो वो स्थानिक मधुर रस अन्न को स्वयं के समान कर देता है, अन्न को भी मधुरता प्राप्त कर देता है और उससे श्लेष्मा संवर्धित होता है। वो जब नाभि हृदय मध्य प्रदेश में आता है तो वहां स्थित अम्ल रस शरीर में, वहां ऑलरेडी अम्ल रस स्थित है, और वह अम्ल रस अन्न को स्वयं का भाव, मतलब अम्ल भाव प्रदान करता है और इसलिए पित्त का वर्धन होता है। वैसे ही अधोनाभि जो कटु रस स्थित है वह अन्न को भी कटु भाव प्राप्त कर देता है और इससे वायु का वर्धन होता है। ऐसा भी एक मत चक्रपाणि ने लिखा है। आगे जाने से पहले अभी यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो अन्य मत जब दिए होते हैं किसी टीका में, तो उनका भी कुछ अलग महत्व होता है। ये हम डिनाय नहीं कर सकते, इसका निषेध नहीं कर सकते कि शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में, कोष्ठ के ऊर्ध्व प्रदेश में ज्यादा तक मधुर रस होगा कि नहीं होगा। होगा ही, नाभि और हृदय के बीच में अम्ल रस ज्यादा स्थित होता है या नहीं, तो होता है। तो ये जो मत है दिए हुए वो भी विचारणीय है, इसलिए चक्रपाणि के टीका में इनका उल्लेख आता है। अब तक हमने जो भी पचन देखा वो स्थूल पचन के अंतर्गत जो समाविष्ट, उसमें ही समाविष्ट जो पाक था, अवस्था पाक, वो देखा। उससे क्या होगा, जैसे हमने देखा कि एवं रसमलाई अन्नम, उससे तो क्या निर्माण होगा, आहार रस और मल निर्माण होंगे। तो शरीर में और भी कुछ है ना, इनके देह धातुओं के अलावा, मलों के अलावा, दोषों के अलावा, शरीर में और भी कुछ है जिसका भी पोषण होना जरूरी है। और वो क्या है, शरीर में उपस्थित जो इंद्रिय द्रव्य है और
इंद्रिय है, और इंद्रिय के जो विषय मतलब पंच जो विषय है ना महाभूतों के, गंधादि, तो गंधादि जो है उनका जो प्रयोजन है उनका भी पोषण होना जरूरी है। तो उनका पोषण कैसे होता है, तो कर्मांतरेण उसका जो पचन है, कर्मांत सॉरी कर्मांतरेण अपि अन्नस्य पाकः, उसका जो पचन है वो अन्य कर्म से होता है। अन्य कर्म से मतलब किस किस कर्म से, तो अन्नम इष्टम उपहितम, उपहित का अर्थ है उपयुक्त। इष्ट अन्न जब उपयुक्त होता है, इष्ट का अर्थ, इष्ट के दो अर्थ है, प्रियम हितम च। यहाँ प्रिय मतलब क्या, जो हमें मन को अच्छा लगता है, जो खाने की हम इच्छा करते हैं, जो अन्न खाने पर हम प्रसन्न होते हैं वो हमारे लिए प्रिय अन्न है। और हितम का अर्थ क्या है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर की अच्छे उपचय के लिए, अच्छी पुष्टि के लिए जो हितकर है वो हितकर अन्न है। तो इष्ट शब्द से यहाँ प्रिय और हित ये दोनों अर्थ लेने चाहिए, लेकिन इसमें भी हितत्व ही प्रधान है, हितकर अन्न ही प्रधान है। लेकिन प्रियत्व भी हम उसका भी हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियत्व भी तदात्व उपकारक है। इसका मतलब प्रियत्व भी इसके लिए सहायक होगा, हितकर अन्न से जो पोषण होगा उसके लिए अन्न का प्रियत्व भी हमें उपकारक ही होगा। तो ऐसे हित और प्रिय जो अन्न है वो जब उपयुक्त होता है, उसका जब हम सेवन करते हैं, तो इष्ट ही गंधादि भी पृथक देहे प्रीणाति। तो ये अन्न इष्ट गंधादि, उसके जो गंधादि इष्ट गंधादि गुण है उनसे क्या करता है, पृथक देहे गंधादीन प्रीणाति, अलग अलग वो देह में गंधादि गुणों का प्रीणन करेगा। तो प्रीणाति मतलब, प्रीणाति का मतलब चक्रपाणि ने कह दिया है कि पोषयति, उसका पोषण करता है। तो अब यह जब पोषण करेगा तो और किसका करेगा, घ्राणादीनि इंद्रियाणि च, शरीर में स्थित जो घ्राणादि इंद्रिय है उनका भी पोषण इन गंधादि पांच भावों से ही होता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इस शास्त्र में इंद्रियों का पांच भौतिकत्व मानते हैं। तो इंद्रिय अगर पांच भौतिक हैं तो उनका पांच भौतिकत्व स्वीकारते हुए उनका भी पोषण पांच भौतिक आहार से ही होगा। और पांच भौतिक आहार के ये जो हर भूत के जो गंधादि स्पेसिफिक गुण है, विशिष्ट गुण है, उनसे ही होगा, जिसको हम सार्थ गुण बोलते हैं उनसे ही होगा। ये बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए। और भी कुछ है शरीर में जिसका भी पचन अपेक्षित है, जो हम द्रव्य लेते हैं वो पांच भौतिक द्रव्य है, तो ये पांच भौतिक द्रव्यों में स्थित जो भी गुण है उन गुणों का भी पचन परिवर्तन शरीर सात्म्य गुणों में होना जरूरी होता है। अभी अब गुणों का पचन तो कैसे होगा, श्लोक पहले देखते हैं बाद में चर्चा करते हैं। श्लोक है, भौम आप्य आग्नेय वायव्याः पंच ऊष्माणः सनाभसाः पंच आहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीन पचन्ति ही। भौम आप्य आग्नेय वायव्य और नाभस, ये जो पंच ऊष्मा है ये पांच भौतिक अग्नि है, पंच महाभूतों के अग्नि है, वो क्या करेंगे, जठर अग्नि की क्रिया हमने अभी तक देखी है, अभी ये क्रिया जो चल रही है वो भौतिक अग्नि का व्यापार शुरू हो गया है। तो अभी ये पांच जो भौतिक अग्नि है वो क्या करते हैं, तो पंच आहार गुणान स्वान स्वान, खुद के जो आहार गुण है पांच, पांच भूतों के जो आहार गुण है अपने अपने, कौन से, पार्थिवादी पार्थिव इत्यादि, उनका पचन करते हैं। अभी ये एक समांतर प्रक्रिया है, जाठर अग्नि का पचन चल रहा है
और समांतर भौतिक अग्नि का भी व्यापार वहां चल रहा है। ये भौमादया पंचोष्मणा होते कहाँ है? शरीर में तो पंचोष्म सभी अग्नि है, पंचभूताग्नि है, पंच सप्तधातु अग्नि है, लेकिन हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ 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 मैडम। ठीक है। तो ये जो पंच भूताग्नि है, शरीर में स्थित है तो भूताग्नि है ही, लेकिन जो पार्थिव आदि द्रव्य में व्यवस्थित भूताग्नि है वो जठर अग्नि से संधुक्षित बल होते हैं। सभी भूताग्नि रहते कहाँ है? अपने अपने भूत प्रधान जो द्रव्य है उनमें व्यवस्थित है, पार्थिव आदि द्रव्य में व्यवस्थित है। अभी ये जो हमने आहार लिया वो कैसा है? पांचभौतिक आहार है। तो ये पांचभौतिक आहार के जो पार्थिव आदि द्रव्य हमने लिए हैं उनमें स्थित ये भौतिक अग्नि है। अब ये पार्थिव आदि द्रव्य में व्यवस्थित भूताग्नि जो है उनका क्या होगा? जाठर अग्नि से संदूक्षित बलाहा। वो जाठर अग्नि से कैसे होंगे? संदूक्षित बलाहा होंगे, मतलब जाठर अग्नि से जिनका बल संदूक्षित हुआ है या जाठर अग्नि से संदूक्षित होने के बाद जो बलवान हुए हैं, ऐसे जो अग्नि है भूताग्नि वो क्या करते हैं? अंतरियम द्रव्यम पचंतः, वो अंतरियम द्रव्यम पचंता, वो उसके अंदर जो ये जो द्रव्य के अंदर ही है ना, तो वो खुद का वो जो द्रव्य है उसका पचन करते हैं और निर्माण क्या करते हैं? स्वान स्वान पार्थिव आदि, स्वान स्वान पूर्व पार्थिव गंध गंधत्वादि अविलक्षणान पार्थिवादीन गुणान निर्वर्तयन्ति। क्या निर्माण करते हैं? तो पार्थिव आदि पूर्व पार्थिव गंधत्वादि अविलक्षणान गुण, मतलब जो कि पहले हमने गंधादि पहले देखे ना, अभी के श्लोक में आहार के पांच सार्थ गुणों का पचन हमने वहां देखा है। तो यहाँ क्या होता है? तो बाकी जो जो गुण है, मतलब यहाँ विंशति गुणों का समावेश है, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। पार्थिव आदि द्रव्यों में जो भी विंशति गुण है उनका पचन जो है वो यहाँ किया जाता है। किन से किया जाता है? तो भौतिक अग्नि से किया जाता है। अभी शायद हमें ऐसा लगेगा कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो सभी तो हमने पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड से फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब प्रथम वर्ष से, आयुर्वेदाचार्य के प्रथम वर्ष से सभी सीखा है, तो इसमें अलग सी बात क्या है? तो ये ध्यान, अगर मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सब आपको चिकित्सा जब आप सीखोगे तो चिकित्सा जब अप्लाई करने की जरूरत होगी तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा। बहुत से बार ऐसा होता है कि किसी एक प्रकार के अन्न का पचन अच्छी अच्छी तरह से नहीं होता, ऐसी कंप्लेंट लेकर हमारे पास रुग्ण आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं गेहूं पचता नहीं है, बाकी सब पचता है। अगर ज्वार की भाकरी दे दो, रोटी दे दो तो वो पचती है, लेकिन गेहूं की रोटी दे दो, चपाती दे दो तो वह पकती नहीं, पचती नहीं। क्यों नहीं? तो ऐसे किसी किसी कई बार ऐसा होता है कि कोई विशिष्ट द्रव्य का पचन शरीर करता नहीं है, ऐसे ध्यान में आता है। तो यहाँ क्या होता है? दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो वो पार्थिव आदि द्रव्य व्यवस्थित जो अग्नि है उसका उसका अच्छी तरह से संदूक्षित वो नहीं हो रहा है, उसको अच्छी तरह से बल प्राप्त नहीं हो रहा है, और इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? तो जाठर अग्नि है। तो वहां भी हमें पाचन का पाचन को ध्यान में तो लेना ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ जाठर अग्नि का संदीपन से अगर हो गया, जाठर अग्नि संदूक्षण से ये कार्य हो गया तो अच्छी बात है। बहुत से बार लोग अलग अलग से विचार करते हैं कि जैसे कि हमें पार्थिव अग्नि बढ़ाने के लिए कुछ देना चाहिए, चिकित्सा का वो सब विषय है इसलिए अभी उसमें जाती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सोचकर कोई चिकित्सा देने वाले लोग भी होते हैं, जैसे कि जिस द्रव्य का अच्छी तरह से पचन नहीं होता
उसकी ही मसी बनाकर दी जाती है, या जिस द्रव्य के किसी द्रव्य के का अच्छी तरह से पचन नहीं होता तो उसके लिए पार्थिव द्रव्य जिसमें अधिक प्रमाण में है उसी द्रव्य से बनाया हुआ कोई औषधि कल्प ऐसे भी दिया जाता है। इस तरह का विचार भी करना आवश्यक होता है, इसलिए यह भौतिक अग्नि व्यापार भी महत्वपूर्ण है। और ये क्या करते हैं भौतिक अग्नि, पंच आहार गुणान स्वान स्वान जनयंती। तो पंच आहार गुणान जनयंती मतलब क्या, अभी गुण तो निर्माण नहीं हो सकते, ऐसे ही बिना द्रव्य के तो कोई गुण उत्पन्न नहीं होते, तो उसके दो अर्थ हम कर सकते हैं। पाकेन जन्यमाने अपि द्रव्ये गुणाः एव जन्यन्ते, मतलब द्रव्य का पचन होता है। यहाँ भौतिक समझो कि एक एग्जाम्पल के लिए हम अभी पार्थिव के बारे में, पार्थिव द्रव्य है उस पर पार्थिव अग्नि की क्रिया होगी और पृथ्वी माह पृथ्वी महाभूत का जो अग्नि है पार्थिव अग्नि उसकी क्रिया होगी और उस कार्य से क्या होगा, उस पाक से जो द्रव्य का परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो द्रव्य का ही होगा, अन्य द्रव्य उत्पन्न होगा पाक से, लेकिन ये पाकेन जन्यमान द्रव्य है उसमें गुणाहा एव जन्यन्ते, उसमें निर्माण क्या होगा, गुणाहा एव जन्यन्ते, उसमें पार्थिवादी गुण ही निर्माण होंगे। अब पहले से उसमें पार्थिवादी ही गुण थे, अभी आप कह रहे हैं कि गुणाहा एव जन्यन्ते, फिर पार्थिवादी ही गुण निर्माण हो गए, तो इसमें फर्क क्या हुआ, तो शरीर सात्म्य पार्थिवादी गुणों में उनका परिवर्तन हो जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और आहार गुणान जैसे मैंने अभी बताया कि आहार आहार से मतलब द्रव्य में स्थित गुण, ऐसा वो आहार गुणान का अर्थ हम ले सकते हैं। और अगर सिर्फ द्रव्य गुणों का पचन ऐसा नहीं, जनन ऐसा नहीं हमें कहना है, तो भी आहार च गुणाह च ऐसा भी इस सामासिक शब्द हम इसका विचार कर सकते हैं कि आहार अधिकरण जो द्रव्य है और गुण है उन दोनों का पंच आहार गुणा मतलब दोनों का भी पचन के भौतिक अग्नि करते हैं। अब जाठर अग्नि क्या करता है हमने देखा, भूताग्नि क्या करता है, जाठरेणाग्निना पूर्वम कृते संघात भेदे पश्चात भूताग्नेयास पंच सौंद्रव्यम पचन, पहले तो जाठराग्नि से संघात भेद होना चाहिए, उसके बाद भूताग्नि जो है वो पांच भूताग्नि स्वम सौंद्रव्यम अपने अपने द्रव्यों का पचन करते हैं। तो जाठर अग्नि के बारे में चक्रपाणि ने लिखा है कि वह सर्वान एव आहार समलावन मल विपाकान पचती भूताग्नि यहाँ तो स्वान स्वान गुणान जनयति। भूताग्नि का रोल लिमिटेड है, क्या करता है वो, भूताग्नि सिर्फ स्वान स्वान गुणान वो अपने अपने गुण जो है अपने अपने महाभूत के जो गुण है उनका ही निर्माण करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। यथा स्वम च पुष्णन्ति, यथा स्वम स्वम च पुष्णन्ति देहे द्रव्य गुणाः पृथक पार्थिवाः पार्थिवान एव शेषाः शेषांश्च कृत्स्नश। अगेन यथा स्वम मतलब यदि अस्य आत्मीयम्, जो जिसका आत्मीय है जो जिसका खुद का है वैसे ही द्रव्य और द्रव्य के गुण ये दोनों पृथक स्वम स्वम पुष्णन्ति मतलब खुद के जो द्रव्य है और खुद के जो गुण है उनका ही पोषण करें। एक ऐसे यथास्वम से अगर अच्छी तरह से मालूम नहीं होता इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, सजातीया द्रव्य गुणा सजातीय द्रव्य गुणान पुष्णन्ति, मतलब अगर पार्थिवादी जो द्रव्य है वो पार्थिवादी द्रव्य रूप जो देह धातु दोष मल है उनका ही पोषण करें। आगे जाके शरीर में मैंने जो बताया कि शरीर शरीर में शरीर सात्म्य रूप में उनका परिवर्तन होगा ना, तो वो कैसा होगा, जब हम कोई समझो कि गेहूं है तो हम गेहूं अगर खाते हैं तो उससे क्या होगा, वो पार्थिव द्रव्य है, तो पार्थिव द्रव्य का पचन होने के बाद शरीर में पार्थिवादी द्रव्य रूप देह धातु जैसे कि समझो अस्थि है तो उसका पोषण ज्यादा होगा या नहीं होगा, तो जो भी एक ही ऐसा नहीं मैं बता रही हूँ, जो भी शरीर में दोष धातु मल में जो भी उस महाभूत के से प्रधान है उनका पोषण उन द्रव्यों से होगा। और गुणांक के का क्या होगा, तो स्नेह औष्ण्य गौरव आदि गुण भी परिवर्तित हुए हैं, वो परिवर्तित हुए हुए स्नेह औष्ण्य और गौरव के
क्या करेंगे? तो शरीर सात गुणों में उनका परिवर्तन होगा, मतलब वो देह गंध, स्नेह, गौरव आदि गुणों का पोषण करेंगे। तो अभी आपको ध्यान में आ गया होगा कि यथा स्वम समच, ये जो द्रव्य गुणा है वो देहे शरीर में क्या करते हैं, पृथक यथा स्वम सम पोषणंती, जैसे कि खुद के द्रव्य है, खुद के समान शरीर में जो द्रव्य है उनका पोषण ये पार्थिवादी द्रव्य करेंगे, खुद के समान जो गुण है उनका पोषण ये स्नेहादि गुण करेंगे। आ गया है ध्यान में। इसके बाद हमने देखा है एवं रसमलायन, अभी रस और अन्न, रस और मल तो तैयार हो गए धात्व जठराग्नि के व्यापार के बाद, तो अभी क्या होगा, उसके बाद धात्वग्नि व्यापार शुरू हो जाता है। उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, डिटेल में हमने सभी शारीरिक क्रिया में देखा है, फिर भी एक बार उसको दोहराना जरूरी है। जठराग्नि के बारे में, भूताग्नि के बारे में हमने थोड़ा सा विस्तार जान लिया, क्योंकि अभी हम जाकर अग्नि जब ग्रहणी का निदान और चिकित्सा देखने वाले हैं, तो ये विचार हमें बैक एंड में हमारे तैयार होने चाहिए। लेकिन धात्वग्नि के बारे में भी जानना जरूरी है। सप्तभिः देह धातारो धातवो द्विविधं पुनः यथास्वम अग्निभिः पाकं यान्ति कित्त प्रसादवत्। सप्तभिः अग्निभिः, सात जो अग्नि है उनके द्वारा धातवः द्विविधं पाकं यान्ति, धातु पुनः दो प्रकार के पाक, धातुओं का पाक होता है और दो प्रकार का होता है, कित्त प्रसादवत्, किट्ट और प्रसाद दो दो उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पुनः शब्द का उल्लेख किया है, पुनः का मतलब जाठराग्नि पाकानंतर। अब हमें तो यह तो मालूम है रस धातु पर उसके अग्नि की क्रिया होगी और प्रसाद रूप अगला धातु तैयार होगा और रस धातु का खुद का मल जो है वो निर्माण होगा, लेकिन ये जो किट्ट प्रसादवत शब्द है वो व्यपदेश भूयसा इस न्याय से लेना चाहिए, क्योंकि शुक्रस्य तो किट्टवान पाको न भवति, ऐसा चक्रपाणि ने कहा है कि शुक्र का तो पाक जो होता है वो उससे तो प्रसाद जगर्भ ही निर्माण होता है, उससे कोई किट्ट निर्माण नहीं होता, ऐसा चक्रपाणि कहता है। इसके बारे में बहुत सारे मतांतर है, लेकिन उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। ये जो धातु उत्पत्ति है वो चरक ने रसाद रक्तम तत्व मांसम मांसान मेदस तत्वस्थि च अस्नो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भः प्रसाद जा। यहाँ प्रसाद ज शब्द सभी को अप्लाई करना चाहिए। तो रस से प्रसाद ज रक्त उत्पन्न होता है, उससे प्रसाद ज मांस मतलब रक्त के पचन से प्रसाद स्वरूप मांस उत्पन्न होता है, मांसात मेधा मांस के पचन से मांस पर जब मांस धात्वग्नि की क्रिया तब तो प्रसाद ज मेद तैयार होता है। ऐसे इसी तरह से शुक्रात गर्भा प्रजायते, शुक्र पर जब शुक्र धात्वग्नि की क्रिया होगी तो प्रसाद जो गर्भ उत्पन्न। यहाँ एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि रसात रक्तम ततो मांसम, ये जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसात ये शब्द थोड़ी संस्कृत में जा रही हूँ, लेकिन अर्थ समझना जरूरी है इसलिए जा रही हूँ। रसात रक्तम, रस से रक्त उत्पन्न होगा, हमें पंचमी का ये अर्थ पूरा मालूम है। अपादान जिसे हम बोलते हैं कि रस से रक्त उत्पन्न होता है, वो रस से अलग होने वाला है, दूर होने वाला है, जिससे दूर होता है उसकी पंचमी यूज करते हैं, तो रसात की पंचमी हो गई। लेकिन पंचमी का और भी एक अर्थ है यहाँ जो हमें लेना चाहिए, जो जिसको हम रीडिंग इन बिटवीन द वर्ड्स बोलते हैं, रसात अनंतरम रक्तम ततो अनंतरम मांसम मांसात अनंतरम मेदहा, ऐसा भी एक अर्थ यहाँ लिया जा सकता है। तो अभी दो प्रकार के अर्थ निकले, तो रस से रक्त की, रक्त से मांस की उत्पत्ति, ऐसा एक अर्थ निकला। रस के बाद रक्त की, रक्त के बाद मांस की, ऐसा दूसरा अर्थ निकला। और इस दूसरे अर्थ में भी रस से रक्त और रक्त रस के बाद रक्त और रक्त के बाद मांस, इसे जो हम बोल रहे हैं तो इससे क्या होगा, तो बाद मतलब के भी दो अर्थ होते हैं। तो आगे जाके हम उसके बारे में जो थियोरीज है ये सभी जो अभी मैंने अर्थ बताए ये पंचमी के, यही सब ध्यान में रखते हुए तीन विचार सामने आते हैं, विचार प्रणाली है जिसको हम आपको ज्यादा
परिचित शब्द है, तीन थियरीज हम बोलते हैं अन्नपाचन के बारे में, उनके बारे में जान लेंगे। पहला तो है क्षीरदधिन्याय, जिस तरह से क्षीर से दधि, दधि से नवनीत, नवनीत से घृत और घृत से घृतमंड उत्पन्न होता है, उसी तरह से रस पर रसधात्वग्नि की क्रिया होने के बाद स्वधात्वग्नि, ये जो है ना स्वाग्नि पच्यमान, ऐसा शब्द चक्रपाणि ने इसके लिए यूज किया। रस जब स्वाग्नि पच्यमान होता है तो स्वाग्नि पच्यमान रस से रक्त की उत्पत्ति होती है प्रसाद स्वरूप। तो ये रस स्वाग्नि मतलब क्या, खुद खुद के अग्नि, रस पर रसधात्वग्नि की क्रिया होगी रक्त तैयार होगा, रक्त पर रक्तधात्वग्नि की क्रिया होगी मांस तैयार होगा, इसी तरह से शुक्र पर शुक्रधात्वग्नि की क्रिया होने के बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। जो अभी हमने श्लोक में अर्थ देखा है वही मैंने यहाँ क्षीरदधि न्याय में वो कैसा एक्सप्लेन करते हैं वो मैंने अभी यहाँ आपको बताया, ठीक है। दूसरा अर्थ जो मैंने तुमको बताया अभी कि तथा का मतलब या पंचमी का अर्थ उसके बाद जो द वर्ड विच इज नॉट देयर बट वी हैव टू थिंक ऑफ इट इन बिटवीन द वर्ड्स, वो क्या है, रसात अनंतरम रक्तम। तो रस के बाद रक्त धातु, रक्त धातु के बाद मांस धातु, मांस धातु के बाद मेदो धातु, ऐसा पोषण चलता आएगा। और वो कैसे किस तरह से होगा रस से, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है केदार निषिक्त जल, यहाँ जो केदार निषिक्त जल, ये सभी ये चित्र देखकर आपको सभी ध्यान में आया होगा, ये क्या है, खेत है, खेत को पानी दिया जा रहा है और ये केदार मतलब क्या, आपको ज्यादा फेमिलियर वर्ड है इसलिए इंग्लिश वर्ड बताती हूँ कि फील्ड अंडर वाटर या पैडी फील्ड, ये इसमें जो जल निषिक्त हुआ है, और कुल्या इसका मतलब है जो एक पाइप्ड वाटर या एक विशिष्ट दिशा दिया हुआ जल, उससे निकला हुआ जल है। और वो कहाँ आता है, खेत में आता है, और खेत में क्या करता है तो आप्लावन कर देता है खेत, वो जो हम यहाँ चित्र देख रहे हैं वो यहाँ से आने वाला, वो जब निश्चित रूप से इन केदारियों में जाएगा तो क्या करेगा, तो उनका आप्लावन करेगा। यहाँ आप्लावन का अर्थ है भिगो देना। तो ये कुल्या जल जो है वो जब केदार निषिक्त होगा तो वो पहले प्रथम केदारी का तर्पण करेगा, बाद में द्वितीय केदारी का, क्या करेगा, आप्लावन करेगा वहां उस पर, उसको पूरा भिगो देगा। तो उसको पूरा भिगो देने से वहां से सब जो हमारे खेत में आने वाली जो फसल है उसका उत्पादन होगा। तो इसी प्रकार रस धातु क्या करता है, रसात रक्तम। तो पहले क्या होता है, ये जो रस है वो आप सभी को वो बाकी श्लोक मालूम है रस के बारे में कि वो पूरी शहर में कैसे बयाने रस धातु विक्षेप को चित करना, तो ऐसे वो अभी जा रहा है तो जाते समय वो क्या करता है, पहले रक्त धातु के स्थान पर जाता है, वहां क्या करता है, रक्तम आप्लावन, रक्त का वो आप्लावन करता है और रक्त स्थान संबंध से उसको रक्त सादृश्य प्राप्त होता है, और रक्त सादृश्य प्राप्त होने के बाद रक्त समान अंश जो उसमें है उस अंश से वो रक्त धातु का पोषण करता है। और बाद में ये रस कहाँ आता है, मांस धातु के स्थान पर। तो मांस धातु के स्थान पर आ जाने पर क्या होगा, मांस का प्लावन करेगा, मांस सादृश्यता उत्पन्न होगी और मांस का पोषण होगा। ऐसे ही आगे आगे जाते हुए वो पोषण शुक्र धातु तक जाएगा। ये केदारी कुल्या में है, ये जो समझने के लिए दृष्टांत है केदारी कुल्या। तीसरा जो न्याय है वो है खले कपोत न्याय। यहाँ जैसे खेत में हम सबको मालूम है जब फसल पूरी हो जाती है तो उससे ये जो धान्य हम यहाँ देख रहे हैं, फसल से जब धान्य निकलता है तो वहां बहुत सारे कपोत मतलब क्या कबूतर आते हैं, इसलिए आते हैं कुछ ना कुछ तो वो अनाज का जो दाना है उसको ले जाने के लिए आते हैं। तो एक समय अगर जो उत्पतित कपोत है, जो
ये खल खल से जो उत्पत्ति तो होने वाले हैं, एक समय भी अगर उन्होंने इसमें से दाना ले लिया तो भी वो अपने अपने स्थान पर कब कैसे पहुंचते हैं, कब पहुंचेंगे, तो जैसे जितने दूर उनको जाना है, उनका निवास स्थान खेत से जितना दूर है उतना उनका वो जो गम्य स्थान है वहां तक पहुंचने में उनको लगने वाला जो समय है वो अलग अलग होगा। तो इसलिए रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन धातुओं के बारे में भी ऐसा ही है। रस इन सभी सभी की पुष्टि रस से एक साथ ही शुरू होगी, लेकिन शुरू एक साथ होगी लेकिन उन अस्थियों उन धातुओं का पोषण करने में अलग अलग समय लगेगा, क्योंकि उनके स्थान जितने दूर हैं उतना उनका पोषण चिरकाल से होगा, ऐसा ये खले कपोतनिया है। इसके बाद आता है अभी प्रसाद, जहाँ शब्द हमने देखा ये सभी तो प्रसाद रूप में होते हैं, धातु उत्पन्न, एक धातु से दूसरा धातु प्रसाद रूप उत्पन्न होता है। तो क्या सिर्फ प्रसाद रूप धातु उत्पन्न होता है, और भी तो कुछ उत्पन्न होता होगा? तो धातु के साथ थोड़ा और भी कुछ घटक उत्पन्न हो जाते हैं, वो उतने ही इम्पोर्टेंट है, वो भी शरीर का पोषण करते हैं, उनको उपधातु बोलते हैं। रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृजः कंडराशिराः मांसात् वसात् त्वचाश्च मेदसः स्नायु संभवः। रस से स्तन्य ये सब श्लोक आपको मालूम है। तो ये जो उत्पत्ति होने होती है, यहाँ कंडरा का अर्थ स्थूल स्नायु और स्नायु का अर्थ सूक्ष्म स्नायु, ऐसा भी लिया है। मेदो धातु तक के सभी उपधातुओं का इस श्लोक में वर्णन है। ये धातु और उपधातु में जो भेद हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है, जैसे मैंने अभी बताया कि उपधातु भी शरीर का पोषण करते हैं, और धातु तो शरीर धारण करते ही है, शरीर धारक घटक है। धातु शरीर का धारण करते हैं लेकिन धात्वंतर पोषण भी करते हैं, मतलब दूसरे दूसरे धातुओं का पोषण करना यह भी धातुओं का कार्य है। तो इस हिसाब से वो धातु है, इस धात्वंतर पोषण करने के कारण वो शरीर का धारण करते, इसी वहां उत्पत्ति है। और उपधातुओं के बारे में जैसे कि अभी हमने देखा स्तन्य आदि उपधातु जो है वो भी शरीर का पोषण करते हैं लेकिन न धात्वंतर पोषण, वो दूसरे धातुओं का पोषण नहीं करते, दूसरे धातुओं का पोषण वो करते नहीं है, इसलिए उनको धातु न बोलते हुए उपधातु ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। अन्न के पचन से तो कीर्तम अन्न से विण मूत्र में हम सब मालूम है हमें, और जैसे हमने भी बताया कि यह धात्वग्नि की क्रिया में प्रसाद जो अगला अगला धातु उत्पन्न होता है उसके साथ ही साथ उपधातु भी उत्पन्न होते हैं और मल भी उत्पन्न होते हैं। तो रस का मल कफ उत्पन्न होता है, रक्त का मल स्वरूप पित्त उत्पन्न होता है, मांस के मल स्वरूप ख मल जिसका अर्थ है कर्ण अक्षी नासा आस्य प्रजनन मल, हाँ बहिर्मुख स्रोत हमें सभी मालूम है, यहाँ उत्पन्न होने वाली जो मल है वो, और मेदो का मल स्वरूप स्वेद अस्थि का मल स्वरूप केश केश और लोम और मज्जा का, यहाँ अस्थि का मल स्वरूप में सुश्रुत ने नख का भी उल्लेख किया है कि सुश्रुत ने नख लोम च ऐसा लिखा है। मज्जा से अक्षिवेट त्वचाम स्नेहा, अक्षी मतलब नेत्र, अक्षिवेट त्वच त्वक आदि सभी का जो मल्ल है स्नेह है वो मज्जा का मल्ल है। और इसी तरह से धातुओं के प्रसाद किट्टे धातु नाम पाकात, धातुओं के पाक से इस तरह से प्रसाद और किट्ट निर्माण हो जाते हैं। यहाँ तक की तो हमें अभी अब तक हमने अच्छी तरह से ये मालूम भी था और फिर एक बार हमने सब दोहरा भी दिया है। एक और धातु पोषण भिन्न क्रम भी चरक में लिखा है, परस्परोपसंस्तब्धा धातु स्नेह परंपरा। ये जो धातु स्नेह परंपरा है, परंपरा मतलब क्या है, एक धातु से दूसरी धातु का पोषण होते जाए, लेकिन ये एक धातु से दूसरे धातु का तो हमने रस से रक्त का रक्त से मांस का ऐसा क्रम देखा है अभी तक। अभी ये क्या कहते हैं, परस्पर उपसंस्तब्ध, परस्पर मतलब रस से रक्त का स्नेह, रस
रक्त को स्नेह मिलेगा, ठीक है, लेकिन रक्त से भी रस को स्नेह मिल सकता है, ऐसा ये परस्पर उपसंस्पर्धा शब्द कहता है। परस्पर उपसंस्पर्धा की टीका अच्छी लिखी है चक्रपाणि में, अन्योन्यम उपस्नेहेन संस्पर्धत्वात् संतर्पिता इति यावत्। अन्योन्यम उपस्नेहेन, उपस्नेह का अर्थ है सान्निध्य, या उपस्नेह का और भी एक अर्थ है झरना। तो ये जो है तो एक दूसरे के सान्निध्य से एक दूसरे में स्नेह झरता है, एक दूसरे को आधार दिया जाता है। ये जो संस्तब्धा शब्द है ना, तो ये जो धातु स्नेह परंपरा है वो इस पर आधारित है। आधारित है मतलब एक धातु दूसरे को आधार देता है। रस तो रक्त को उत्पन्न करता है हमने देखा, लेकिन रक्त भी रस को आधार देता है। ये उल्टे क्रम से भी ये धातु स्नेह परंपरा हमें ध्यान में लेनी चाहिए। तो परस्परोपसंस्पदा कहाँ आएगा ये हमें ध्यान में, आपको मालूम है प्रतिलोम राजयक्ष्म जैसे संप्राप्तियां आपको आगे जाकर देखनी है, वहां आपको ये ध्यान में आएगा कि ये परस्परोपसंस्पदा, जब पीछे वाला कोई काम जिससे हम जिससे एक घटक उत्पन्न हुआ है, अगर वो पिछले वाला घटक अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसका काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो आगे जो घटक उत्पन्न हुआ है वो इस पिछले वाले घटक की जिम्मेदारी थोड़ी अंश से, मैं थोड़े अंश से इसलिए बोल रही हूँ कि ये तो उत्पत्ति नहीं है, तो पोषण नहीं है, ये सिर्फ स्नेह है। तो ये एक दूसरे को संतर्पित करना, एक दूसरे को आधार देना, ऐसा जो संस्पंद है शब्द से अर्थ मालूम होता है हमें, उतना काम तो वो करते ही हैं जिस जहाँ जो हमें यहाँ मिलता है ध्यान में लेना पड़ता है। अभी ये दोनों देखने के बाद भी और भी एक प्रकार की धातु परंपरा क्रम का अपवाद हमें मिलता है, वो क्या है, वृषादी नाम प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाशु ही। वृषादी जो प्रभाव है वो द्रव्य है, वृष द्रव्य आदि द्रव्य जो है, मतलब उससे बल्य वेदन और भी कई आप ले सकते हैं, उनका प्रभाव क्या है, पुष्णाति बलम आशु ही, उनसे तो बल का पोषण पोषण आशु हो जाता है, शीघ्र बल पोषण करते हैं। अब शीघ्र बल पोषण करते हैं तो ये रस से शुक्र तक जितनी जितना भी काल हम आगे देखने वाले उस काल के बारे में, तो ये सब जो लगने वाला है इतना काल, तो वो तो उसे उसमें अभिप्रेत नहीं है, तो कैसे होगा वो वृषादि द्रव्य जो है, समझो कि क्षीर इत्यादि, उनका प्रभाव क्या होगा, वो शीघ्र बल का पोषण करेंगे और शुक्र जनन करेंगे, या दूसरा अर्थ हम ऐसा भी लेते हैं कि वो शीघ्र शुक्रादि का ही बल का पोषण करेंगे, शुक्रादि धातुओं के बल का ही पोषण उनसे उनके कारण शीघ्र हो जाएगा। ये अपवाद स्वरूप हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो रस से शुक्र तक का जो हमने सभी परिवर्तन देखा, उसके लिए कितना काल लगता है, तो चरक ने दिखाया षड भी केचित अहोरात्र ही इच्छन्ति परिवर्तन। कोई लोग कहते हैं कि षड अहोरात्र में इसके परिवर्तन पूरा हो जाता है, लेकिन खुद का मत क्या कहते हैं, संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्ति स्तु चक्रवर्ती। ये जो भोज्य धातु है उनकी परिवृत्ति संतत्या संतति से चल रही है, ऐसा नहीं है कि आज दिया कल नहीं दिया, ऐसा तो नहीं होगा। संतत्या परिवृत्ति मतलब वो सतत चालू रहने अष्ट प्रहर चालू रहने वाली परिवृत्ति है, और ये कैसे चलती रहती है, चक्रवत, जैसे कि किसी चक्र की परिवर्तन होता है, इसी इसी समय इसी तरह ये परिवर्तन होगा। यही मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, रस से शुक्र का परिवर्तन होने के लिए रस से रक्त प्रथम अहोरात्र में, रक्त से मांस द्वितीय अहोरात्र में, ऐसे चलते चलते षड अहोरात्र हो गए, उसके बाद शुक्र की उत्पत्ति हो गई। ये एक ही मत है, केचित ऐसा लिखा है चरक ने भी। यहाँ अब बात निकली है तो सुश्रुत का भी मत हम सबको मालूम है, और जो ज्यादा स्वीकारणीय है, मासेन रसः शुक्री भवति, ये हम ज्यादा ध्यान में लेते हैं प्रत्यक्ष चिकित्सा व्यवहार में। तो ये मास कैसा होता है, तो आहार रस ये जो परिवर्तन है अन्न से रस का, तो एक अहोरात्र में ही तो हो जाता है, तो उसके बाद त्रीणी कला सहस्राणी पंचदश च कला, इतना समय, मतलब समझो कि ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ कि वो ग्रंथोक्त शब्द ये है, लेकिन इनसे हमें पांच दिन
मिलते हैं। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सभी परिवर्तन हो जाने तक पूरा एक महीना, पांच पांच दिन आपने काउंट कर दिए तो पूरे 30 दिन हो गए, तो एक महीना मासे नरसाह शुक्री भवति, एक मास में ये रस का शुक्र तक रूपांतरण हो जाता है। और जैसे मैंने अभी बताया ये परिवृत्ति स्तु चक्रवर्ती, ये चक्र का एग्जाम्पल है, ये जो चक्र है ये शायद जिसमें बोली हिंदी में इसको चक्रधरम मोट बोलते हैं, मराठी समझने वाले जो लोग हैं उनको शायद मालूम होगा कि गांव में खेतियों में ऐसे इसको मोठ, मराठी में भी इसको मोठ ही बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो घटों की श्रृंखला है, एक घट का घट से पानी दूसरे घट में, दूसरे घट से पानी तीसरे घट से, ऐसे करते करते वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका जो परिवर्तन है वो कैसे होगा, वो चक्र चलाने वाला जो है उसके बाहुबल प्रकर्ष पर वो निर्भर रहेगा। अगर इसका बाहुबल प्रकर्ष है तो ये परिवर्तन आशु होगा, अगर इसका बाहुबल मांद्य है तो वो परिवर्तन चिरकाल से होगा। तो चक्र चलाने वाले का बल जो है उस पर ये निर्धारित है। अभी ये अगेन एक बार फिर ये हो गया दृष्टांत, लेकिन ये यहां कैसे अप्लाई करना है, धातु से ये जो परिवर्तन है वो शीघ्र होगा या चिरकाल होगा, ये किस पर निर्भर रहेगा, तो अग्न्यादि सौष्ठव या अग्न्यादि वैगुण्य से, वैगुण्य पर निर्भर रहेगा। तो अगर इसका ये पचन परिवर्तन करने वाले धात्वग्नि आदि जो भाव है उनका सौष्ठव है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो ये वो शीघ्र परिवर्तन होगा, और उनमें अगर कुछ वैगुण्य है तो वो परिवर्तन चिरेण होगा। इसलिए निश्चित काल का उल्लेख चरक संहिता ने नहीं किया है। सुश्रुत में और भी एक दृष्टांत है, वो भी इससे नजदीक जाता है, इसलिए यहाँ बताती हूँ कि जल संतान शब्द संतान और अर्चित संतान, शब्दार्चिर जल संतान अनुना विशेषण अनुधावती एवं शरीरम केवलम। तो वो रस धातु जो है वो पूरे केवलम शरीरम अनुधावती, इस पूरे शरीर में उसका अनुधावन होता है, और वो कैसा होता है, उसकी गति कैसी होती है, ये जो तीन दृष्टांत है ये गति की भिन्नता दिखाते हैं। जल की गति कैसी है, कैसी है, चिर गति है। शब्द की गति कैसी है, नाति शीघ्र और नाति चिरात है। और अर्चिस मतलब ज्वाला, ज्वाला की गति कैसी है, अति शीघ्र है। तो ये जिस गति से ये रस का अनुधावन होगा उस गति पर ये निर्भर करेगा कि ये अगले आखिरी धातु तक की उत्पत्ति कितने काल में होगी। तो ये जल संतान की दृष्टांत से क्या होता है, चिरेण मास पर्यंत शुक्र उत्पत्ति, ये अर्थ हम निकाल सकते हैं। शब्द संतान के दृष्टांत से नाति शीघ्रम नाति चिराच शुक्र उत्पत्ति ही, और अर्चित संतान के दृष्टांत से अतिशीघ्रम शुक्र उत्पत्ति ही, ऐसे अर्थ निकाल सकते। अब इतना सब हमने देखा तो सभी अग्नियों का महत्व है या नहीं, सभी अग्नियों का महत्व है, इतने सारे अग्नियों के इतने सारे जो व्यापार है इनमें से किसी भी व्यापार में कोई भी कमी है, कहीं भी कुछ रुकावट है, कहीं भी कुछ गड़बड़ है, कहीं भी कुछ विकृति है, तो अवश्य वो रोगी होगा। फिर भी इन सभी अग्नियों में अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणाम अधिपोमता, अधिपो मतलब राजा, अधिपति है वो, इन सभी अग्नियों का अधिपति राजा कौन है, तो अन्नस्य पक्ता जो जाठर अग्नि है वो सभी अग्नियों का अधिकारी है, अधिपति है। यहाँ धात्वग्नि जो है ना उनका पोषण हमने पहले श्लोक में देखा था, अग्नि यहाँ देहाग्नि हेतु कहा वाला जो श्लोक था उनमें हमने अग्नि यहाँ देखा था। वाग्भट में भी लिखा है कि जाठर अग्नि के जो अंश होते हैं धातुओं में स्थित उनसे ही, जाठर अग्नि से ही उनका तस्य एव अंशाः, वो जाठर अग्नि के ही अंश धातु में स्थित होते हैं। तो इसलिए जाठर अग्नि जितना अच्छी तरह से संदुक्षित है उससे ही जैसे धात्वग्नि बल प्राप्त करते हैं उसी तरह से, जैसे भूताग्नि बल प्राप्त है करते हैं उसी तरह से धात्वग्नि भी जाठर अग्नि से ही बल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अधिपति कौन हो गया, तो अन्नस्य पक्ता, जाठर अग्नि ही इनका अधिपति है। तन मूलाह तेहि, तो वो बाकी वाले अग्नि कैसे हैं, तन मूलाह है, तन मूल है,
जठर अग्नि मूल है, जठर अग्नि पर निर्भर है उनका अस्तित्व, उनका संरक्षित होना। ते ही तदवृद्धि क्षय क्षयात्मक, हाँ तदवृद्धि क्षय क्षयात्मक है, मतलब उनका वृद्धि क्षय कैसा है, इन बाकी अग्नियों की जो वृद्धि और क्षय है ये तद्वृद्धि क्षय पर अवलंबन है। तद्वृद्धि मतलब जाठर अग्नि, अस्य जाठर अग्नि है वृद्धा वृद्धात्मक, हाँ क्षयेण च क्षयात्मक, हाँ मतलब जाठर अग्नि की वृद्धि से उनकी वृद्धि होती है और जाठर अग्नि के क्षय से उनका क्षय होता है। तो इसलिए अन्नपक्ता जो है जाठर अग्नि है उसका ही प्राधान्य इन सभी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। और इसलिए क्या करना चाहिए, तो यह अग्नि जाठर अग्नि का ही पालन सर्व अभी पहला ही कर्तव्य, सर्वोत्तम कर्तव्य हमारा क्या हो गया, तो जाठर अग्नि का ही पालन कर पाले प्रयतः, ये तम तस्मात तम प्रयतः पालये, ये जो जाठर अग्नि है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। और वो कैसा करना चाहिए, विधिवत युक्त ही अन्नपान ईंधन ही हित ही, जो विधिवत युक्त अन्नपान स्वरूपी ईंधन है और वह कैसे है, हितकर है, जो हितकर है और विधिवत युक्त है ऐसे अन्नपान जो ईंधन स्वरूप हमें इस जाठर अग्नि को देने चाहिए। जाठर अग्नि सदा अच्छी तरह से संरक्षित रहे, उसका पालन होता रहे, इसलिए हित और विधिवत युक्त ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे जाकर या पीछे भी आपने जो भी व्याधि देखे हैं, हर्ष देखा है, अतिसार देखा है और आगे जाकर ग्रहणी देखने वाले, तो सभी और केवल ये तीन ही नहीं, जहां जहां आपको अग्नि की विकृति दिखाई देगी संप्राप्ति में, वहां वहां ध्यान में रखना चाहिए कि हेतुओं में आपको कोई ना कोई तो हेतुओं में आपको कोई ना कोई तो अहितकर हेतु मिलेगा या अविधिवत युक्त सेवन अन्न का सेवन मिलेगा। तो इसलिए हित ही और विधिवत युक्त ही ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। और अभी विधिवत युक्त ही शब्द आ गया तो विधि क्या है, आहार विधि जो है उसके दो पार्ट्स हम कह सकते हैं, हमने देखे हैं, ज्यादा इनके डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगी। आहार विधि विशेषायतन और आधार विधि विधान, आप सभी को मालूम है। आधार विधि विशेषायतन मतलब क्या, प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपयोगता, इन सभी का अंतर्भाव विशेषायतनों में होता है। और आहार विधि विधान भी आपको मालूम है, उष्णम अश्निया स्निग्धम अश्निया मात्रावत जीर्णे वीर्याविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना और आत्मानम अभिसमीक्ष सम्य। ये इतना सभी जो है, इतना सभी ध्यान में लेकर हमें आहार का विधान दिया है, आहार सेवन करना चाहिए ऐसा लिखा है। ये इतना सब लेने देखे देखते हैं तो क्या होता है, उससे ही अग्नि का पालन होता है। और अग्नि का अग्नि पालन होता है मतलब क्या, अग्नि युक्त होता है और युक्त अग्नि से क्या होगा, युक्त चिरंजीवती अनामया, हमने देखा युक्त जब तक अग्नि युक्त है अनामया चिरंजीवती, बिना किसी रोग से वो दीर्घ काल आयुष्य सुख पूर्वक जी सकता है। लेकिन यो ही भुंक्ते विधिम त्यक्त्वा, और वो भी कैसे, लौल्या, जो लौल्य के कारण विधिम त्यक्त्वा भुंक्ते, विधि का त्याग करते हुए भोजन करता है, मतलब भोजन में जो अगर लौल्य से ये विधि का त्याग हो गया, केवल लौल्य से भी नहीं, आजकल तो बहुत सारे उसमें कारण है जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी कई बार ये विधि का त्याग होता है, जो हमने अभी देखा उष्ण मशनिया एकदम मशनिया, तो उष्ण अन्न तो हम डिब्बे में लेके जाते हैं ऑफिस में जाते वक्त ठंडा हो जाता है, ऐसे सभी के बारे में बता सकते हैं लेकिन अभी तो इतना समय नहीं है। लेकिन जो भी विधि हमने देखा है अभी विधान आहार विधि विधान में, उसका सभी का त्याग हमें केवल लवल्य, यहाँ लवल्यात लभत लवल्यात भूंगते ऐसा है, फिर भी बहुत सारी मजबूरियों के कारण भी आजकल ये विधिम त्यक्त्वा भोजन दिखाई देता है। और ये विधि त्याग से भोजन क्या करता है, ग्रहणी दोषजान गदान शीघ्रम लभते, जो ऐसा विधि त्याग से भोजन करता है उसको शीघ्र ही
ग्रहणी दोष जगद, ग्रहणी दोष के जैसे हमने पहले ही देखा है, ग्रहणी दोष मतलब क्या, ग्रहणी स्थित अग्नि दोष, तो ग्रहणी स्थित अग्नि दोष जो है उनसे उत्पन्न होने वाले जो व्याधि है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जाठर अग्नि का अच्छी तरह से पालन होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्वस्थ लोगों में भी ये हम लोगों में ये पहले महत्वपूर्ण बात है, और रुग्ण भी अगर हमारे सामने आए तो पहला ध्यान आगे वाले जो भी रोग आप ग्रहणी गद में देखने वाले हैं, वो सभी अवस्थाओं, उन सभी अवस्थाओं में प्रथम कर्तव्य का क्या होगा, तो जाठर अग्नि प्राकृत करना, जाठर अग्नि का संधूक्षण अच्छी तरह से करना, ये महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य उद्दिष्ट रहेगा। हेलो कोई शंका या डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैडम यहाँ पे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, मैं आपको सुनाती हूँ पढ़ के। महाभूताग्नि वर्धनासाठी चिकित्सा कसा विचार करावा? महाभूताग्नि वर्धनासाठी चिकित्सा कसा विचार करावा? जैसे मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट ग्रंथों में तो इनका उल्लेख आता नहीं है, महाभूतों भूताग्नियों का संदूक्ष तत्व तो जाठराग्नि पर ही रहता है ऐसा ज्यादातर उल्लेख है, लेकिन कई लोग मैंने जो बताया था बोलते हुए कि कई लोग जिस द्रव्य का पचन नहीं होता उसकी ही मसी बनाकर खाने के लिए बोलते हैं, तो ये वृद्ध वैद्य सम्मत चिकित्सा का स्वरूप है मेरे मेरे ख्याल से। पुणे में वैद्य गोशम तांबे जी थे, तो उनके वो ऐसा करते थे कि अगर नींबू नींबू का पचन नहीं होता, नींबू का सेवन करने से अम्ल पित्त होता है ऐसा होता है, तो वो रुग्णों को वो नींबू की ही मसी बनाकर खाने के लिए बोलते थे लेने के लिए, तो मतलब औषध स्वरूप में देते थे, तो ऐसे विचार किया जा सकता है। कई बार किसी किसी किन्हीं धातु कल्पों के मतलब रस कल्पों के बारे में भी ऐसा विचार लोग करते हैं, जैसे अगर पार्थिव का पोषण पचन अच्छी तरह से नहीं होता है तो लघुमालिनी वसंत जैसे कल्प, पार्थिव जैसे स्पेशली गेहूं का पचन जैसे मैंने बताया, इसके लिए कई एक दो वैद्यों ने किया है ऐसा मैंने मुझे मालूम है। आगे हेलो। हाँ मैम। हाँ हेलो। हाँ आपण अवस्थापाक ज्यावेळेला चालू असतो त्यावेळेला जे काही प्राकृत कफ जे काही अवस्थापाकामध्ये दोष निर्माण होतात म्हणजे कफ पित्त आणि वात, तर त्यांचं पचनामध्ये काही विशेष विशिष्ट असं कर्म असतं का, म्हणजे त्यांची उत्पत्ती होती आहे तर त्या उत्पत्तीसाठी त्यांचं काही कर्म काही विनिश्चित असतं का, त्यांचा पचनात काही रोल असतो का, पचनात काही रोल असतो का, पचन प्रक्रियेमध्ये त्यांचा काही रोल असतो का? कोणाचा? अवस्थापाकात निर्माण होणाऱ्या दोषांचा। पचन प्रक्रियेत नाही, पचन प्रक्रियेचाच रोल आहे की ते दोष निर्माण होतात। आपण मग त्यांच्यानंतर अवस्थापाकाचा रोल आहे की त्या दोषांची उत्पत्ती होते, पण मग त्या दोषांचा पुढे काय परिणाम असं विचारायचं होतं की त्या दोषांचं पुढे नाही मला लक्षात नाही आला प्रश्न। यातून उत्पन्न होणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत होणारे पित्त वात आहे त्यांचा पुढे काय रोल असतो, ते उत्पन्न होतात इथपर्यंत समजलं, पण त्याचा पुढे काय रोल असतो पचनामध्ये? पचनामध्ये त्यांचा काही रोल नाही, याच्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या ज्या ज्या गोष्टी आहेत
त्यांचा पचनामध्ये रोल नाही, त्यांचा पुढे शरीर पोषणामध्येच रोल आहे. ओके ठीक सगळ्याच गोष्टींचा ना आपण आता बघतोय ना, आहार रस तयार होतोय, धातू तयार होत आहेत, उपधातू तयार होत आहेत, तर ह्या सगळ्यांचा जो पुढे पचनामधून निर्माण होणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत यांचा जो रोल आहे तो धातूंच्या तो शरीराच्या पोषणामध्येच आहे पुढे. अच्छा पण मग एखादा आहार समजा जास्त म्हणजे समजा इथे अम्ल रसाची अम्ल म्हणजे पित्त दोष जास्त निर्माण झाला तर तो पुढे व्याधीकर होऊ शकतो का असं विचारायचं. आता तो विकृत निर्माण झाला तर नक्कीच होऊ शकतो. त्याच्या त्या ज्या पुढे गोष्टी आहेत ना आपण ज्या म्हटलो की अग्नीच्या विकृतींमध्ये त्या अवस्थापक त्या त्या ठिकठिकाणी बिघाड होणारच आहेत. अग्नी प्राकृत पचन जर नाही केलं अग्नी तर या गोष्टी अधिकाने निर्माण होणारच. आणि मग त्यात जर तिथे जर पित्तवृद्धी अशा गोष्टी निर्माण झाल्या तर त्याच्यामुळे रोग होतील का, तर होतीलच. म्हणूनच तर मग तिथेच निदान परिवर्जनाचा रोल येतो ना. जेव्हा तुम्ही अम्लाधिक सेवनच कराल, तुम्ही सेवन केलेलं अन्न अम्ल अधिक आहे बरोबर, तर त्याच्यामुळे पित्त अधिक निर्माण होईल की नाही. जसं आपण म्हणलो मगाशी की ते बहुश्लेष्म निर्माण होतो मधुर अवस्थापाकात, तसं अम्लावस्थापाकामध्ये बहु अम्लत्व आलं की त्याच्यामुळे बहुपित्त निर्माण होईल किंवा नाही, तर नक्कीच होईल. थँक्यू. पुढचा प्रश्न, धात्वग्नी मांद्य आणि जाठराग्नी मांद्य यातला फरक कसा ओळखणार. लक्षात असं घ्यायचं की जाठराग्नी मांद्य ओळखणं हे अगदीच सोपं आहे त्या मनात. जाठराग्नी मांद्य जाठराग्नीची परीक्षा कशी करतो आपण, अग्निम जरणशक्त्या परीक्षेत बरोबर. अग्नीची परीक्षा आपण जरण शक्तीने करतो, त्याच्या पचन शक्तीने करतो. आपण रोज किती अन्न खातो, आपल्याला भूक किती असते, त्यानुसार आपण आहार घेतो आणि तो कसा पचतो हे सगळं आपल्याला माहिती असतं. आणि आपण एखाद दिवशी काय म्हणतो की नाही आज मला जरा कमी भूक लागली, मला नाही वाटत आहे खावं, मला कालचं अन्न पचलंय असं नाही वाटत आहे. मग आपण हे कालचं अन्न पचलंय असं वाटत नाही ही जी मरा बोली भाषेतली संज्ञा वापरतो त्याचा अर्थ काय आहे. जो हम एक बार हिंदी में एक बार बोलती हूँ, ये जो जाठराग्नि और धात्वग्नि मांद्य में जो फर्क है वो ये है कि जाठराग्नि का परीक्षण हम जरण शक्ति से करते हैं, पचन शक्ति से करते हैं. जो भी सेवन किया हुआ अन्न है उसका पचन हुआ है या नहीं इस पर हमें जाठराग्नि अच्छा है या मंद हुआ है ये समझ में आ जाता है. और धात्वग्नि मांद्य की जो चर्चा है तो तेषाम साधाति दीप्ति भी हम धातु वृद्धि क्षयोद्भवा, धात्वग्नि के साद और दीप्ति से धातुओं में वृद्धि और क्षय पाए जाते हैं. वो उनके अलग लक्षण है ग्रंथों में दिए हुए. अभी इसीलिए मैंने कहा कि ग्रहणी की अपेक्षा ये हमने अभी लेक्चर रखा है इसलिए मैं धात्वग्नियों के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं गई हूँ. लेकिन ये जो अग्नि के उस धातु उन उन धातुओं के वृद्धि और क्षय के लक्षण है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए, उनका अभ्यास करते रहना चाहिए. तो उसी से हमें धात्वग्नि कैसे है इनका पता चलता है. नेक्स्ट, अवस्था पाक में उदीरण हुए हुए कफ और पित्त और रसमल कफ एंड रक्त पित्त रक्तमल पित्त इनमें कोई फर्क है क्या. तो इनमें फर्क होता है लेकिन यहाँ पे भी दो भिन्न भिन्न मत है. फिर भी समय की पाबंदी हमें है इसलिए ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं गई हूँ. लेकिन दोनों में निश्चित ही फर्क है. लेकिन कई कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यह जो रसमल में जो कफ निर्माण होता है हेलो हाँ रसमल जो निर्माण होता है रस का मल और रक्त का मल जो निर्माण होता है कफ और पित्त ये इनमें बहुत सारा डिटेल का विषय है. कोई लोग यहाँ पोषण दोष और पोषक दोष से फर्क भी करते हैं इसमें. लेकिन रस और रक्त के यहाँ निर्माण होने वाले कफों का कफ और पित्त का प्रमाण बहुत ही कम स्वरूप से है ये ध्यान में रखो. मेजर क्वांटिटी जो मूलभूत दोषों की उत्पत्ति है वो जाठराग्नि के पचन से ही होती. धात्वग्नि चिकित्सा कैसी करेंगे,
धात्वग्नि चिकित्सा के बारे में अगर जैसे मैंने बताया, ये इस लेक्चर का प्रयोजन नहीं था, फिर भी धात्वग्नि की चिकित्सा के भी दो हमें ये करना चाहिए। धात्वग्नि चिकित्सा अगर मान्य है, धात्वग्नि मान्य है, तो दो तरह से हमें जाना है। क्योंकि एक तो पहले उनकी उनका संदूक्षण अगर जाठर अग्नि से होना है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि जाठर अग्नि अच्छी तरह से संदूक्षित है या नहीं, तभी धात्वग्नि अच्छी तरह से संदूक्षित होंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जाठर अग्नि में कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी धात्वग्नि का मंदिर है, तो वो उन वहां के वहां गए हुए दोषों के कारण भी होता है, वहां आए गए आए हुए किसी आवरण के कारण भी होता है। तो वहां के दोषों का, स्पेशली आम का पाचन करना, यह वहां की चिकित्सा होती है। और व्यवहार में हम उनके लिए धातु पाचकों का उपयोग करते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक आदि जो योग है, जो ज्वर चिकित्सा में उन धातुगत ज्वर जो है उनकी चिकित्सा के लिए एक्चुअली है। लेकिन बहुत सारे वैद्य उनका उपयोग बड़े प्रमाण में बहुत सारे व्याधियों में उन धात्वग्नियों पर कार्य करने के लिए करते हैं। धातुगत धात्वग्नियों पर कार्य मतलब यहाँ मैंने मुझे अपेक्षित है धातुगत दोषों का पचन करके धात्वग्नि को संदूक्षित करना, ऐसा उनका कार्य होगा। आहार सेवन कालाबद्दल सांगावे, ग्रंथोक्त कसे समजून घ्यावे। आहार सेवन काल वो बागभट के मात्राशीति अध्याय में प्रसृष्ट विन्मूत्र रुधि सुम विमले वगैरह जो श्लोक है वो आहार सेवन काल है। वो श्लोक अगर आप देखेंगे पूरी अच्छी तरह से आपको ध्यान में आएगा। नेक्स्ट प्रकृति मैडम नुस्सा। हाँ मैडम, तुम्ही एक स्लाइड दाखवली होती, त्यात सर्व धातूंची निर्मिती 1 महिन्यामध्ये कशी होते ती स्लाइड होती, तर ती एकदा परत दाखवाल का स्क्रीनवर? 1 महिन्यामध्ये सुश्रुताच्या मते हाँ, ती जी स्लाइड होती ना ती परत दाखवू शकाल का? हाँ, हाँ थैंक यू हाँ मैडम। हाँ प्रेमी तरणी कला ससुराणी वगैरह वाली होती ना। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ हेलो। हे हाँ सुश्रुतांच्या मते जो 1 महिन्याचा कालावधी आहे, 5-5 दिवसांचा धातु निर्माणाचा, तर हा हाँ प्रत्येक प्रकृती वाइज डिफर करतो का? म्हणजे प्रत्येकाचा अग्नी प्रकृतीनुसार जो हाँ वेगवेगळा असेल, तर त्याचा हाँ जो काल आहे दिवसाचा तो डिफर करतो का? इतका खूपसा नाही करत खरं सांगायचं तर, कारण प्रकृती ही अगदी एक पूर्ण वेगळी कन्सेप्ट आहे। म्हणजे प्रकृतीनुसार अग्नी बदलतात असं फारसं होत नाही। अग्नी पहिला जो आपला, म्हणजे आता त्याच्यासाठी खूप गोष्टी बघायला लागतील तुम्हाला, चरकातल्या चरस्थानामधला अग्नी विचार पाहायला लागेल। परंतु मुळात हे जे जाठर अग्नीचं परिवर्तन आहे, तुम्हाला आता पहिला जो प्रश्न होता तुमचा, तो हा धातु निर्मिती काल बदलता का बदलतो का असं तुमचं म्हणणं आहे ना। हाँ हाँ हा प्रकृतीनुसार बदलेला असं नाही वाटत मला। हा त्या त्या अग्नीनुसारच बदलेल, त्या त्या धात्वग्नीनुसार बदलेल, कारण हाँ क्रिया कारण कशाची होणार आहे, धात्वग्नीची होणार आहे ना। पुढचा पुढचा धातू तयार होता, अगले अगले हाँ धातु उसको उत्पन्न करने वाले करने के लिए पिछले पिछले धातु से वो उत्पन्न होगा। तो उस धातु का जो स्वयं अग्नि है, स्वाग्नि हाँ पच्यमान, ऐसा हमने देखा ना, तो उस अग्नि का जो उस अग्नि की सौष्ठव पर उस पर वो काल निर्भर करेगा। कारण जर थोड़ा असं मला पाहिलं, इधर प्रत्येक हाँ व्यक्ति के अनुसार हिसाब से भी वो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, क्योंकि हर एक हाँ व्यक्ति का जाठर अग्नि और हर एक व्यक्ति का धात्वग्नि तो समान नहीं होगा ना। याचं जर पाहायचं असेल मॅडम, तर ऋतुचक्रामध्ये काही जणांचे मासिक पाळी जी आहे बरोबर 22 दिवसांची, 30 दिवसांची, तर आपण याच्यावरून अंदाज करू शकतो का? म्हणजे अनुमान की या व्यक्तीचा रस परिणमनाचा काळ हा इतका आहे, असं आपण अंदाज बांधू शकतो का? प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग्स आर प्राकृत, क्योंकि ऋतुकाल ओके कम अधिक दिनों में आना, इसके लिए भी
ये सिर्फ धातु परिवर्तन ही एक कारण है ऐसा नहीं है ना, उसमें भी और बाकी विकृति अगर कुछ नहीं है तो ही वैसा अर्थ हम निकाल सकते हैं, हर समय नहीं निकाल सकते। हाँ, म्हणजे प्राकृत जर समजा येत असेल, हिस्ट्री जर चांगली नियमित सगळं आहे, तर आपण त्याच्यावरून नहीं, त्यांच्या प्रकृति रसापण. नियमित ही अलग बात है, समझो कि हर हर एक एक हेलो, ओ सॉरी. हेलो, आवाज गेलाय वाटते. हेलो। हाँ हेलो, मध्ये डिस्कनेक्ट झाल्यासारखं आवाज झालं, आवाज नाही. हाँ समझो समझो कि किसी स्त्री की रज प्रवृत्ति 25 दिन में आती है, 25 डेज में आती है, तो इसका अर्थ है हम डायरेक्टली ऐसा नहीं निकाल सकते कि वो रसद रसद से शुक्र तक का परिणमन करने के लिए उनको 25 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि किसी वहां की शुक्र धात्वग्नि जो है उसका जो क्रिया उसकी जो क्रिया है ना उस पर वो निर्भर हाँ. करेगा, पर उसमें कुछ विकृति है तो वो प्राकृत ऐसा नहीं कह सकते। धात्वग्नि सभी धात्वग्नियों का कार्य है ना, तो वो धात्वग्नि हाँ. कार्य जो है वो सभी धात्वग्नि प्राकृत है क्या है या नहीं, ये देखना पड़ता है। कई बार चिकित्सा देने से वो पूरा 1 मास का हो सकता है अगर हमें बीच में कोई विकृति ध्यान में आई तो। हाँ. ठीक है, ओके ओके. ओके। हाँ हाँ, थैंक यू मैडम, खूब छान झालं लेक्चर. हाँ हाँ हो गए, सभी सभी क्वेश्चंस हो गए, नो डाउट्स। हेलो, इकड़े में तो चैट बॉक्स नहीं है तो मैडम, देर इज वन मोर क्वेश्चन इज देयर. हाँ, एक वन क्वेश्चन मोर रह क्वेश्चन इज गया है, है। अभी हाँ 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 आई बोलिए एम नॉट बोलिए। अंडरस्टैंडिंग दैट क्वेश्चन. हाँ प्रतिलोम राजक्षमाच्या जे कारण तुम्ही सांगितलं, परस्पर धातू वाला ते एक्सप्लेन करायला, आणखीन एकदा एक्सप्लेन करायला सांगितलं होतं स्लाइड्स. परस्परोपधात राजक्षमाच्या घेऊन येऊ तुम्ही सांगितले ना, संस्तब्ध। हाँ आणखीन एकदा स्लाइड मध्ये आणखीन प्रतिलोम, एकदा एक्सप्लेन. हाँ या नाउ आई एम एबल टू सी दैट क्वेश्चन। प्रतिलोम रोम लक्ष्मणाचा जे कारण तुम्ही सांगितलं परस्पर धातू वाला ते एक्सप्लेन कराल का परत विथ स्लाइड। नहीं, ये हाँ मैंने प्रतिलोम राजा क्षमा समझते हुए हमें ये समझ लेना चाहिए, ऐसे मैंने बताया था। परस्परों का संस्तब्ध धातु स्नेह परंपरा, ये जो धातु स्नेह की अलग तरह की परंपरा है, अलग तरह के मतलब अब तक हमने जो देखा था इससे पहले स्लाइड इसके पीछे जो स्लाइड थी उस तक हमने जो देखा था वो जाठराग्नि का की क्रिया थी। ठीक है, धातु धात्वग्नि की भी जो क्रिया थी वो मतलब क्या हम बोलते हैं, एक एक ही तरफ से थी, मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, मतलब 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ऐसे धातु का पोषण हमने देखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, परस्परोपसंस्पदा, मतलब ये परस्पर स्नेह अन्योन्यम उपस्नेह न संस्पदत्वात, ऐसे हमने देखा ना कि
अन्योन्यम उपस्नेह न, उपस्नेह का अर्थ यहाँ हमने क्या देखा था, स्नेहन या झरना, तो सानिध्य से झरना, झरना को एक दूसरे के निकट होने के कारण ये धातु एक दूसरे का आधार बनते हैं। तो एक दूसरे का ये अर्थ यहाँ महत्वपूर्ण है। रस रक्त को उत्पन्न करता है ये तो हमने देखा, लेकिन रक्त ही कभी रस का आधार होता है ये जो बात है ये यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए। तो प्रतिलोम राजक्षमा का जो मैंने बताया, तो एक शुक्र धातु का क्षय जब होता है तो पीछे पीछे वाली धातुओं का भी क्षय हमें दिखाई देता है, वहां ये न्याय कई कई लोग उनकी संगति यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, मैम काही पेशंट्सने तर भूक तर चांगली लागते पण जिव्हा साम असते यामध्ये कसा विचार करावा? अगर जिव्हा साम है तो वो झूठी भूख है, भूख अच्छी लगेगी ऐसा तो नहीं होगा जिव्हा साम है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। पेशेंट को खाने की इच्छा है ये अलग बात है, लेकिन क्षुधा उत्पन्न हुई है ये अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता कि भूख अच्छी तरह से लगी है तो फिर भी जिह्वा साम लगेगी, साम दिखेगी। सो फिनिश्ड? यस मैडम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैडम। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम साइली मैडम हाँ ओके तो आज की मीटिंग हम यहाँ समाप्त करते हैं। संहिता बोध के अगले सेशन में हम अगले रविवार को सुबह 8:30 बजे गृहिणी निदान वैद्य धनंजय कुलकर्णी उनका व्याख्यान होगा। आप सभी को वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय संहिता साथ लानी है। ठीक है, थैंक यू ऑल। बंद झाली।